हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज हम जिस फिल्म पर बात करेंगे उस फिल्म का नाम है भाया जी। दोस्तों अगर आप भाया जी मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो फिर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको भाया जी मूवी की पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और बजट के बारे में बताएंगे। इसके अलावा आज इस वीडियो में हम आपको फिल्म का एक रिव्यू भी देंगे, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप 10 मिनट की भी हमारी वीडियो देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। भाया जी 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे अपूर्व सिंह को कार की ने लिखा है। अपूर्व सिंह कार की ने लिखा, जिसने इसे दीपक कनगरानी के साथ मिलकर लिखा है। इसमें मनोज बाजपाई ने मरकजी किरदार अदा किया है। जो कानूनी ड्रामा सिर्फ एक बंदा काफ़ी है उसमें भी इसमें किरदार अदा किया था, और इस मूवी में भी ये भाया जी में भी इन किरदार अदा करते आपको नजर आएंगे, वरना ये अक्सर मूवी में ये सैड हीरो के रोल में भी काम करते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए विलन के रोल में भी ये जो है ना काम करते आपको नजर आए हैं, लेकिन आजकल जो है ना ये हीरो के रोल में नजर आ रही है चैनल जी। और इसके बाद जो है ना दोबारा ये जो इसकी दूसरी मूवी होगी। अगर कहानी की बात कर लें तो ये दोस्तों एक छोटी सी बहस के दौरान अपने छोटे भाई की बस बदकिस्मत मौत के बाद भाया जी यानी के मनोज बाजपाई एक रिटायर और खौफ ज़दा मुजरिम जिम्मेदार बासर गुज्जर के खिलाफ इंसाफ की तलाश में निकलता है। वो अपने वफादार साथियों को इकट्ठा करता है और इंतकाम की एक तहरीक को जन्म देता है जो पूरी मुजरमाना दुनिया के लिए ख़तरा है। ये जो मूवी है ये फाइटिंग मूवी है। इस मूवी में भाया नाम देख लिया, भाया जी मतलब बड़ा भाई है, उसका जो छोटा भाई है उसको कत्ल कर दे देता है, तो फिर जो बड़ा भाई है वो अपने छोटे भाई का बदला लेता है, और जो बड़ा भाई है वो अपने जो उसके मुखलिस दोस्त हैं उनको बुलाते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि हम ये तहरीक बनाना चाहते हैं, क्या आप मेरा साथ दोगे। तो जो मुखलिस दोस्त होते हैं तो आपको पता है कि वो हर मुसीबत में साथ खड़े होते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी ज़रूर। तो फिर यूँ तहरीक का आगाज़ होता है और फिर चुन चुन कर जो इनके मुखालफीन हैं उनको मारा जाता है। सो ये है इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको भी बताई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है। भैया जी जो हो गया, उसके भाई हो गए, उसके दोस्त हैं रियल में उनका क्या नाम है, और इस मूवी में उनका क्या नाम होगा, ए टू ज़ेड। अब मैं आपको इसकी तरफ लेके चलता हूँ, कास्ट की तरफ लेकर। दोस्तों इस मूवी में मनोज बाजपाई यानी कि हीरो जो हो गए वो बतौर रामचरण त्रिपाठी उर्फ भाया जी के रोल में नजर आएंगे। सही है जी, आगे चलते हैं। अमृत सज्जन बतौर नौजवान भाया जी। अमृत सज्जन भाया जी के छोटे भाई हैं और नौजवान हैं, और इस मूवी में ये हीरो के भाई के रोल में नजर आएंगे, जिसके ऊपर ये सारी मूवी घूमती है, वो है जी अमृत सज्जन। उसके बाद भागीरथी भाई कदीम बतौर छोटी माँ भाया जी की सुतेली माँ के रोल में आपको नजर आएंगे। के जोया हुसैन बतौर मेथाली, ओके जत्थन गोस्वामी बतौर अभिनव सिंह, श्रीनु की बतौर चंद्र भान सिंह, विपन शर्मा बतौर एफ आई मंगन, अभिषेक रंजन बतौर रवि, भोला के तौर पर आचार्य अन्यत नजर आएंगे, आकाश मगीजा बतौर विद्नत, अमरिंदर शर्मा बतौर नयाज, जय हिंद कुमार बतौर पंडित, बंटू के तौर पर निखिल मेहता, विभू शर्मा बतौर बॉबी के रोल में इस मूवी में आपको नजर आएंगे। दोस्तों फिल्म का जो ऐलान है वो किया गया था अगस्त 2023 में,
और इस मूवी की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है उसका आगाज़ हो गया था 19 सितंबर 2023 को। ये प्रोजेक्ट मनोज वाजपेयी और अपूर्व सिंह काल की सिर्फ एक बंदा काफ़ी है फिल्म के बाद दूसरा इश्तराक है। पहली मूवी जिसने बनाई, दूसरी मूवी भी इसी ने बनाई है। पहली मूवी में जिसने इसको मेन किरदार अदा किया, दूसरी मूवी में भी वो ही इसको किरदार अदा दे रहे हैं। फिल्म बंदी दोस्तों की जो है शूटिंग इस विलायतों पर उत्तर प्रदेश में की गई थी। कास्टिंग में मनोज वाजपेयी ने मरकजी किरदार अदा किया है, जबकि जोया हुसैन मरकजी खातून का किरदार अदा कर रही है। ओके, सुरिंदु के मुखालिफ का किरदार अदा करते आपको इस मूवी में नजर आएंगे। सरकारी डेट्स के निकाब कोशाई 20 मार्च 2024 को की गई थी। फिल्म का ट्रेलर 9 मई 2024 को जारी किया गया था और ये फिल्म थिएटर में 24 मई 2024 को रिलीज हुई थी। 26 जुलाई 2024 से और ये जी प्रीमियर पर रिलीज हुई थी। साउंड ट्रैक दोस्तों इस मूवी की जो फिल्म की जो मौसीकी है वो मनोज तिवारी दीपक ठाकुर ने तरतीब दी है और बोल डॉक्टर सागे ने लिखे हैं। बाघ का क्रिजा के उन्वान से पहला गाना 24 अप्रैल 2024 को रिलीज हुआ था। दूसरा गाना जिसका उन्वान था चक्का जाम 24 मई 2024 को रिलीज हुआ। सही है, अब टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है अपूर्व सिंह करिकी, राइटर भी अपूर्व सिंह ही हैं और इसके साथ दे रहे हैं दीपक केनकरानी। प्रोड्यूस्ड बाई विनोद भोनशाली, इसके साथ कमलेश, मनोज वाजपेयी, शबना रजा, शील ओशाल, शमशा ओसवल मेन किरदार अदा कर रहे हैं। मनोज वाजपेयी, जोया हुसैन, सिंदीद विकी, जतिन जोशवानी, सैनमोग्राफी अर्जुन कुरकीति, एडिट समीत कोटीन, म्यूजिक बाई सॉन्ग्स मनोज तिवारी, दीपक ठाकुर, इसके साथ तिलिका उपाडे और इसके स्कोर की बात कर लें तो दे रही है इसमें संदीप स्वीता। प्रोडक्शन कंपनी जो है ना वो है जी भोनशाली स्टूडियोस लिमिटेड FSO प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूट बाय पेन मॉड्यूलर एंटरटेनमेंट्स। रिलीज डेट है जी 24 मई 2024। रनिंग टाइम इसका 131 मिनट, 2 घंटे 10 मिनट की ये स्टोरी है। कंट्री इसकी जो है ना वो इंडिया है। लैंग्वेज इसकी हिंदी ही है और इसने बॉक्स ऑफिस पर 11.52 करोड़ का बिजनेस किया और अभी तो ये बिजनेस करेगी, देखते हैं कि कितना बिजनेस करती है। भाया जी 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे अपूर्व सिंह को कार की ने लिखा है। अपूर्व सिंह कार की ने लिखा, जिसने इसे दीपक कनगरानी के साथ मिलकर लिखा है। इसमें मनोज वाजपेयी ने मरकजी किरदार अदा किया है। जो कानूनी ड्रामा सिर्फ एक बंदा काफ़ी है उसमें भी इसमें किरदार अदा किया था और इस मूवी में भी ये भाई अजी में भी किरदार अदा करते आपको नजर आएंगे। वरना ये अक्सर मूवी में ये सैड हीरो के रोल में भी काम करते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए विलन के रोल में भी ये जो है ना काम करते आपको नजर आए हैं, लेकिन आजकल जो है ना ये हीरो के रोल में नजर आ रही है चैनल जी। और इसके बाद जो है ना दोबारा ये जो इसकी दूसरी मूवी होगी। अगर कहानी की बात कर लें तो ये दोस्तों एक छोटी सी बहस के दौरान अपने छोटे भाई की बदकिस्मत मौत के बाद भाया जी यानी के मनोज वाजपेयी एक रिटायर और खौफ ज़दा मुजरिम जिम्मेदार बासर गुज्जर के खिलाफ इंसाफ की तलाश में निकलता है। वो अपने वफादार साथियों को इकट्ठा करता है और इंतकाम की एक तहरीक को जन्म देता है।
जो पूरी मुजरमाना दुनिया के लिए ख़तरा है। ये जो मूवी है ये फाइटिंग मूवी है। इस मूवी में भाई नाम देख लिया, भाई अजीब मतलब बड़ा भाई है, उसका जो छोटा भाई है उसको कत्ल कर दे देता है, तो फिर जो बड़ा भाई है वो अपने छोटे भाई का बदला लेता है, और जो बड़ा भाई है वो अपने जो उसके मुखलिस दोस्त हैं उनको बुलाते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और कहता है कि हम ये तहरीक बनाना चाहते हैं, क्या आप मेरा साथ दोगे। तो जो मुखलिस दोस्त होते हैं तो आपको पता है कि वो हर मुसीबत में साथ खड़े होते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी ज़रूर। तो फिर यूँ तहरीक का आगाज़ होता है और फिर चुन चुन कर जो उनके मुखालफिन हैं उनको मारा जाता है। सो ये है इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको भी बताई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है। भैया जी जो हो गया, उसके भाई हो गए, उसके दोस्त हैं रियल में उनका क्या नाम है, और इस मूवी में उनका क्या नाम होगा, तो जी अब मैं आपको इसकी तरफ लेके चलता हूँ, कास्ट की तरफ लेके। दोस्तों इस मूवी में मनोज बाजपेयी यानी कि हीरो जो हो गए वो बतौर रामचरण त्रिपाठी उर्फ भाया जी के रोल में नजर आएंगे। सही है जी। आगे चलते हैं। अमृत सज्जन बतौर नौजवान भाया जी। अमृत सज्जन भाया जी के छोटे भाई हैं और नौजवान हैं, और इस मूवी में ये हीरो के भाई के रोल में नजर आएंगे, जिसके ऊपर ये सारी की सारी मूवी घूमती है, वो है जी अमृत सज्जन। उसके बाद भागीरथी भाई कदीम बतौर छोटी माँ भाया जी की सुतेली माँ के रोल में आपको नजर आएंगे। के जोया हुसैन बतौर मेथाली, ओके जत्थन गोस्वामी बतौर अभिनव सिंह, श्रीनु की बतौर चंद्र भान सिंह, विपन शर्मा बतौर एफ आई मंगन, अभिषेक रंजन बतौर रवि, भोला के तौर पर आचार्य अन्यत्र नजर आएंगे, आकाश मगीजा बतौर विदनत, अमरिंदर शर्मा बतौर नयाज, जय हिंद कुमार बतौर पंडित, बंटू के तौर पर निखिल मेहता, विभू शर्मा बतौर बॉबी के रोल में इस मूवी में आपको नजर आएंगे। दोस्तों फिल्म का जो ऐलान है वो किया गया था अगस्त 2023 में, और इस मूवी की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है उसका आगाज़ हो गया था 19 सितंबर 2023 को। ये प्रोजेक्ट मनोज बाजपेयी और अपूर्व सिंह काल की सिर्फ एक बंदा काफ़ी है फिल्म के बाद दूसरा इश्तराक है। पहली मूवी जिसने बनाई, दूसरी मूवी भी इसी ने बनाई है। पहली मूवी में जिसने इसको मेन किरदार अदा किया, आप दूसरी मूवी में भी वो ही इसको किरदार अदा दे रहे हैं। फिल्म बंदी दोस्तों की जो है वो शूटिंग इस उत्तर प्रदेश में की गई थी। कास्टिंग में मनोज बाजपेयी ने मरकजी किरदार अदा किया है, जबकि जोया हुसैन मरकजी खातून का किरदार अदा कर रही है। ओके सुरिंदु के मुखालिफ का किरदार अदा करते आपको इस मूवी में नजर आएंगे। सरकारी टेस्ट के निकाब कोशाई 20 मार्च 2024 को की गई थी। फिल्म का ट्रेलर 9 मई 2024 को जारी किया गया था, और ये फिल्म थिएटर में 24 मई 2024 को रिलीज हुई थी। 26 जुलाई 2024 से और ये जी प्रीमियर पर रिलीज हुई थी। साउंड ट्रैक दोस्तों इस मूवी की जो फिल्म की जो मौसीकी है वो मनोज तिवारी दीपक ठाकुर ने तरतीब दी है, और बोल डॉक्टर सागे ने लिखे हैं। बाघ का क्रीजा के उन्वान से पहला गाना 24 अप्रैल 2024 को रिलीज हुआ था। दूसरा गाना जिसका उन्वान था चक्का जाम 24 मई 2024 को रिलीज हुआ। सही है। अब टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है अपूर्व सिंह करिकी, राइटर भी अपूर्व सिंह ही हैं, और इसके साथ दे रहे हैं दीपक केनकरानी। प्रोड्यूस्ड बाय विनोद होनशाली, इसके साथ कमलेश मनोज बाजपेयी शबना रजा शील ओशाल शमीक्षा ओसवल मेन किरदार अदा कर रहे हैं। मनोज बाजपेयी जोया हुसैन सिंधीद विकी
जतिन जोशवानी, सैनमोग्राफी अर्जुन कुरकीति, एडिट समीत कोटीन, म्यूजिक वाई सॉन्ग्स मनोज तिवारी, दीपक ठाकुर, इसके साथ तलिका उपाडे, और इसके स्कोर की बात कर लें तो दे रही है इसमें संदीप स्वीता। प्रोडक्शन कंपनी जो है ना वो है जी वनुशाली स्टूडियोस लिमिटेड FSO प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूट बाय पेन मॉड्यूलर एंटरटेनमेंट्स। रिलीज डेट है जी 24 मई 2024। रनिंग टाइम इसका 131 मिनट, 2 घंटे 10 मिनट की ये स्टोरी है। कंट्री इसकी जो है ना वो इंडिया है। लैंग्वेज इसकी हिंदी ही है। और इसने बॉक्स ऑफिस पर 11.52 करोड़ का बिजनेस किया। और अभी तो ये बिजनेस करेगी, देखते हैं कि कितना बिजनेस करती है। भाया जी 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे अपूर्व सिंह को कार की ने लिखा है। अपूर्व सिंह कार की ने लिखा, जिसने इसे दीपक कनगरानी के साथ मिलकर लिखा है। इसमें मनोज बाजपाई ने मरकजी किरदार अदा किया है। मनोज बाजपाई ने मरकजी किरदार अदा किया है, जो कानूनी ड्रामा सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। उसने भी इसमें किरदार अदा किया था, और इस मूवी में भी ये भाई अजी में भी किरदार अदा करते हैं। आपको नजर आएंगे, वरना ये अक्सर मूवी में ये सैड हीरो के रोल में भी काम करते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए विलन के रोल में भी ये जो है ना काम करते आपको नजर आए हैं। लेकिन आज कल जो है ना ये हीरो के रोल में नज़र आ रही है चैन जी। और इसके बाद जो है ना दोबारा ये जो इसकी दूसरी मूवी होगी। अगर कहानी की बात कर लें तो ये दोस्तों एक छोटी सी बहस के दौरान अपने छोटे भाई की बस बदकिस्मत मौत के बाद भाया जी यानी के मनोज वाजपेयी एक रिटायर और खौफ ज़दा मुजरिम जिम्मेदार बासर गुज्जर के खिलाफ इंसाफ की तलाश में निकलता है। वो अपने वफादार साथियों को इकट्ठा करता है और इंतकाम की एक तहरीक को जन्म देता है, जो पूरी मुजरमाना दुनिया के लिए ख़तरा है। ये जो मूवी है ये फाइटिंग मूवी है। इस मूवी में भाई नाम देख लिया, भाई जी मतलब बड़ा भाई है, उसका जो छोटा भाई है उसको कत्ल कर दे देता है। तो फिर जो बड़ा भाई है वो अपने छोटे भाई का बदला लेता है, और जो बड़ा भाई है वो अपने जो उसके मुखलिस दोस्त हैं उनको बुलाते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि हम ये तहरीक बनाना चाहते हैं, क्या आप मेरा साथ दोगे। तो जो मुखलिस दोस्त होते हैं तो आपको पता है कि वो हर मुसीबत में साथ खड़े होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी ज़रूर। तो फिर यूँ तहरीक का आगाज़ होता है, और फिर चुन चुन कर जो इनके मुखालफीन हैं उनको मारा जाता है। तो सो ये है इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको भी बताई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है। भैया जी जो हो गया, उसके भाई हो गए, उसके दोस्त हैं, रियल में उनका क्या नाम है और इस मूवी में उनका क्या नाम होगा, तो जी अब मैं आपको इसकी तरफ लेके चलता हूँ, कास्ट की तरफ लेकर। दोस्तों इस मूवी में मनोज वाजपेयी यानी कि हीरो जो होंगे वो बतौर रामचरण त्रिपाठी उर्फ भाया जी के रोल में नजर आएंगे। सही है जी। आगे चलते हैं। अमृत सज्जन बतौर नौजवान भाया जी। अमृत सज्जन भाया जी के छोटे भाई हैं और नौजवान हैं, और इस मूवी में ये हीरो के भाई के रोल में नजर आएंगे, जिसके ऊपर ये सारी की सारी मूवी घूमती है, वो है जी अमृत सज्जन। उसके बाद भागीरथी भाई कदीम बतौर छोटी माँ भाया जी की सुतेली माँ के रोल में आपको नजर आएंगे। के जोया हुसैन बतौर मेथाली के जत्थन गोस्वामी बतौर अभिनव सिंह श्रीनू की बतौर चंद्र भान सिंह विपन शर्मा बतौर FI मंगन अभिषेक रंजन बतौर रवि भोला के तौर पर आचार्य अनित नजर आएंगे। आकाश मगीजा बतौर विद्नत अमरिंदर शर्मा बतौर नयाज जय हिंद कुमार बतौर पंडित
बंटू के तौर पर निखिल मेहता, विभू शर्मा बतौर बॉबी के रोल में इस मूवी में आपको नजर आएंगे। दोस्तों फिल्म का जो ऐलान है वो किया गया था अगस्त 2023 में और इस मूवी की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है उसका आगाज़ हो गया था 19 सितंबर 2023 को। ये प्रोजेक्ट मनोज वाजपेयी और अपूर्व सिंह काल की सिर्फ एक बंदा काफ़ी है फिल्म के बाद दूसरा इश्तराक है। पहली मूवी जिसने बनाई, दूसरी मूवी भी इसी ने बनाई है। पहली मूवी में जिसने इसको मेन किरदार अदा किया, दूसरी मूवी में भी वो ही इसको किरदार अदा दे रहे हैं। फिल्म बंदी दोस्तों की जो है शूटिंग इस पर उत्तर प्रदेश में की गई थी। कास्टिंग में मनोज वाजपेयी ने मरकजी किरदार अदा किया है जबकि जोया हुसैन मरकजी खातून का किरदार अदा कर रही है। ओके, सुनिंदु के मुखालिफ का किरदार अदा करते आपको इस मूवी में नजर आएंगे। सरकारी टेस्ट के निकाब कोशाई 20 मार्च 2024 को की गई थी। फिल्म का ट्रेलर 9 मई 2024 को जारी किया गया था और ये फिल्म थिएटर में 24 मई 2024 को रिलीज हुई थी। 26 जुलाई 2024 से और ये जी प्रीमियर पर रिलीज हुई थी। साउंड ट्रैक दोस्तों इस मूवी की जो फिल्म की जो मौसीकी है वो मनोज तिवारी, दीपक ठाकुर ने तरतीब दी है और बोल डॉक्टर सागे ने लिखे हैं। बाघ का क्रीजा के उन्वान से पहला गाना 24 अप्रैल 2024 को रिलीज हुआ था। दूसरा गाना जिसका उन्वान था चक्का जाम 24 मई 2024 को रिलीज हुआ। सही है। अब टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है अपूर्व सिंह करिकी, राइटर भी अपूर्व सिंह ही हैं और इसके साथ दे रहे हैं दीपक केनकरानी। प्रोड्यूस्ड बाय विनोद होनशाली जिसके साथ कमलेश, मनोज वाजपेयी, शबना रजा, शील ओशाल, शमशा ओसवल मेन किरदार अदा कर रहे हैं। मनोज वाजपेयी, जोया हुसैन, सिंदीद विकी, जतिन जोशवानी, सैनमोग्राफी अर्जुन कुरकीति, एडिट समीत कोटीन, म्यूजिक बाई सॉन्ग्स मनोज तिवारी, दीपक ठाकुर, इसके साथ तिलिका उपाडे और इसके स्कोर की बात कर लें तो दे रही है इसमें संदीप स्वीता। प्रोडक्शन कंपनी जो है ना वो है जी वनुशाली स्टूडियोस लिमिटेड, SSO प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूट बाय पेन मॉड्यूलर एंटरटेनमेंट। रिलीज डेट है जी 24 मई 2024। रनिंग टाइम इसका 131 मिनट, 2 घंटे 10 मिनट की ये स्टोरी है। कंट्री इसकी जो है ना वो इंडिया है। लैंग्वेज इसकी हिंदी ही है और इसने बॉक्स ऑफिस पर 11.52 करोड़ का बिजनेस किया और अभी तो ये बिजनेस करेगी, देखते हैं कि कितना बिजनेस करती है। भाया जी 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे अपूर्व सिंह को कार की ने लिखा है। अपूर्व सिंह कार की ने लिखा जिसने इसे दीपक कनगरानी के साथ मिलकर लिखा है। इसमें मनोज बा जयपाई ने मरकजी किरदार अदा किया है। मनोज वाजपेयी ने मरकजी किरदार अदा किया है जो कानूनी ड्रामा सिर्फ एक बंदा काफ़ी है उसमें भी इसमें किरदार अदा किया था और इस मूवी में भी ये भाया जी ने भी किरदार अदा करते आपको नजर आएंगे। वरना ये अक्सर मूवी में ये सेट हीरो के रोल में भी काम करते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए विलन के रोल में भी ये जो है ना काम करते आपको नजर आए हैं, लेकिन आजकल जो है ना ये हीरो के रोल में नजर आ रही है चैन जी। और इसके बाद जो है ना दोबारा ये जो इसकी दूसरी मूवी होगी। अगर कहानी की बात कर लें तो ये दोस्तों एक छोटी सी बहस के दौरान अपने छोटे भाई की बस बदकिस्मत मौत के बाद भाया जी यानी के मनोज वाजपेयी एक रिटायर
और खौफजदा मुजरिम जिम्मेदार बासर गुज्जर के खिलाफ इंसाफ की तलाश में निकलता है। वो अपने वफादार साथियों को इकट्ठा करता है और इंतकाम की एक तहरीक को जन्म देता है जो पूरी मुजरमाना दुनिया के लिए ख़तरा है। ये जो मूवी है ये फाइटिंग मूवी है। इस मूवी में भाई नाम देख लिया, भाई जी मतलब बड़ा भाई है, उसका जो छोटा भाई है उसको कत्ल कर दे देता है, तो फिर जो बड़ा भाई है वो अपने छोटे भाई का बदला लेता है, और जो बड़ा भाई है वो अपने जो उसके मुखलिस दोस्त हैं उनको बुलाते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि हम ये तहरीक बनाना चाहते हैं, क्या आप मेरा साथ दोगे। तो जो मुखलिस दोस्त होते हैं तो आपको पता है कि वो हर मुसीबत में साथ खड़े होते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी ज़रूर। तो फिर यूँ तहरीक का आगाज़ होता है और फिर चुन चुन कर जो इनके मुखालफीन हैं उनको मारा जाता है। तो सो ये है इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको भी बताई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है। भैया जी जो हो गया, उसके भाई हो गए, उसके दोस्त हैं, रियल में उनका क्या नाम है और इस मूवी में उनका क्या नाम होगा, ए टू जी। अब मैं आपको इसकी तरफ लेके चलता हूँ, कास्ट की तरफ लेकर। दोस्तों इस मूवी में मनोज बाजपेयी यानी कि हीरो जो होंगे वो बतौर रामचरण त्रिपाठी उर्फ भाया जी के रोल में नजर आएंगे। सही है जी। आगे चलते हैं, अमृत सज्जन बतौर नौजवान भाया जी। अमृत सज्जन भाया जी के छोटे भाई हैं और नौजवान हैं, और इस मूवी में ये हीरो के भाई के रोल में नजर आएंगे, जिसके ऊपर ये सारी की सारी मूवी घूमती है, वो है जी अमृत सज्जन। उसके बाद भागीरथी भाई कदीम बतौर छोटी माँ भाया जी की सुतेली माँ के रोल में आपको नजर आएंगे। के जोया हुसैन बतौर मेथाली के जत्थन गोस्वामी बतौर अभिनव सिंह श्रीनू की बतौर चंद्र भान सिंह विपन शर्मा बतौर एफ आई मंगन अभिषेक रंजन बतौर रवि भोला के तौर पर आचार्य अन्यत नजर आएंगे। आकाश मगीजा बतौर विदनत अमरिंदर शर्मा बतौर नयाज जय हिंद कुमार बतौर पंडित बंटू के तौर पर निखिल मेहता विभू शर्मा बतौर बॉबी के रोल में इस मूवी में आपको नजर आएंगे। दोस्तों फिल्म का जो ऐलान है वो किया गया था अगस्त 2023 में, और इस मूवी की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है उसका आगाज़ हो गया था 19 सितंबर 2023 को। ये प्रोजेक्ट मनोज बाजपेयी और अपूर्व सिंह काल की सिर्फ एक बंदा काफ़ी है फिल्म के बाद दूसरा इश्तराक है। पहली मूवी जिसने बनाई, दूसरी मूवी भी इसी ने बनाई है। पहली मूवी में जिसने इसको मेन किरदार अदा किया, आप दूसरी मूवी में भी वो ही इसको किरदार अदा दे रहे हैं। फिल्म बंदी दोस्तों की जो है शूटिंग इस उत्तर प्रदेश में की गई थी। कास्टिंग में मनोज बाजपेयी ने मरकजी किरदार अदा किया है, जबकि जोया हुसैन मरकजी खातून का किरदार अदा कर रही हैं। ओके, सुरिंदु के मुखालिफ का किरदार अदा करते आपको इस मूवी में नजर आएंगे। सरकारी टेस के निकाब कोशाई 20 मार्च 2024 को की गई थी। फिल्म का ट्रेलर 9 मई 2024 को जारी किया गया था, और ये फिल्म थिएटर में 24 मई 2024 को रिलीज़ हुई थी। 26 जुलाई 2024 से और ये जी प्रीमियर पर रिलीज़ हुई थी। साउंड ट्रैक दोस्तों इस मूवी की जो फिल्म की जो मौसीकी है वो मनोज तिवारी दीपक ठाकुर ने तरतीब दी है, और बोल डॉक्टर सागे ने लिखे हैं। बाघ का क्रिजा के उन्वान से पहला गाना 24 अप्रैल 2024 को रिलीज़ हुआ था। दूसरा गाना जिसका उन्वान था चक्का जाम 24 मई 2024 को रिलीज़ हुआ। सही है। अब टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है अपूर्व सिंह करिकी, राइटर भी अपूर्व सिंह ही हैं, और इसके साथ दे रहे हैं दीपक केनकरानी। प्रोड्यूस्ड बाई विनोद होनोशाली, इसके साथ कमलेश मनोज बाजपेयी शबना
रजा, शील और शाल, शमशा ओसवल मेन किरदार अदा कर रहे हैं, मनोज वाजपेयी, जोया हुसैन, सिंदीद विकी, जतिन जोशवानी, सैनमोग्राफी अर्जुन कुरकीति, एडिट समीत कोटीन, म्यूजिक बाई सॉन्ग्स मनोज तिवारी, दीपक ठाकुर, इसके साथ तलिका उपाडे, और इसके स्कोर की बात कर लें तो दे रही है इसमें संदीप स्वीता, प्रोडक्शन कंपनी जो है ना वो है जी वनुशाली स्टूडियोस लिमिटेड FSO प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूट बाय पेन मॉड्यूलर एंटरटेनमेंट्स, रिलीज डेट है जी 24 मई 2024, रनिंग टाइम इसका 131 मिनट, 2 घंटे 10 मिनट की ये स्टोरी है। कंट्री इसकी जो है ना वो इंडिया है, लैंग्वेज इसकी हिंदी ही है, और इसने बॉक्स ऑफिस पर 11.52 करोड़ का बिजनेस किया, और अभी तो ये बिजनेस करेगी, देखते हैं कि कितना बिजनेस करती है। भाया जी 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे अपूर्व सिंह को कार की ने लिखा है, अपूर्व सिंह कार की ने लिखा, जिसने इसे दीपक कनगरानी के साथ मिलकर लिखा है। इसमें मनोज वाजपेयी ने मरकजी किरदार अदा किया है, जो कानूनी ड्रामा सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, उसमें भी इसमें किरदार अदा किया था, और इस मूवी में भी ये भाया जी में भी मेन किरदार अदा करते हैं, आपको नजर आएंगे, वरना ये अक्सर मूवी में ये सैड हीरो के रोल में भी काम करते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए विलन के रोल में भी ये जो है ना काम करते आपको नजर आए हैं, लेकिन आजकल जो है ना ये हीरो के रोल में नजर आ रही है चैनल जी। और इसके बाद जो है ना दोबारा ये जो इसकी दूसरी मूवी होगी, अगर कहानी की बात कर लें तो ये दोस्तों एक छोटी सी बहस के दौरान अपने छोटे भाई की बस बदकिस्मत मौत के बाद भाया जी यानी के मनोज वाजपेयी एक रिटायर और खौफ ज़दा मुजरिम जिम्मेदार बासर गुज्जर के ख़िलाफ़ इंसाफ की तलाश में निकलता है। वो अपने वफादार साथियों को इकट्ठा करता है और इंतकाम की एक तहरीक को जन्म देता है जो पूरी मुजरमाना दुनिया के लिए ख़तरा है। ये जो मूवी है ये फाइटिंग मूवी है, इस मूवी में भाया नाम देख लिया, भाया जी मतलब बड़ा भाई है, उसका जो छोटा भाई है उसको कत्ल कर दे देता है, तो फिर जो बड़ा भाई है वो अपने छोटे भाई का बदला लेता है, और जो बड़ा भाई है वो अपने जो उसके मुखलिस दोस्त हैं उनको बुलाते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि हम ये तहरीक बनाना चाहते हैं, क्या आप मेरा साथ दोगे? तो जो मुखलिस दोस्त होते हैं तो आपको पता है कि वो हर मुसीबत में साथ खड़े होते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी ज़रूर। तो फिर यूँ तहरीक का आगाज़ होता है, और फिर चुन के मुखालफीन हैं उनको मारा जाता है। सो ये है इस मूवी स्टोरी जो कि हमने आपको भी बताई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है, भैया जी जो हो गया, उसके भाई हो गए, उसके दोस्त हैं, रियल में उनका क्या नाम है, और इस मूवी में उनका क्या नाम होगा, A to Z। अब मैं आपको इसकी तरफ लेके चलता हूँ, कास्ट की तरफ लेके। दोस्तों इस मूवी में मनोज वाजपेयी यानी कि हीरो जो हो गए वो बतौर रामचरण त्रिपाठी उर्फ भाया जी के रोल में नजर आएंगे। सही है जी, आगे चलते हैं। अमृत सज्जन बतौर नौजवान भाया जी, अमृत सज्जन भाया जी के छोटे भाई हैं और नौजवान हैं, और इस मूवी में ये हीरो के भाई के रोल में नजर आएंगे, जिसके ऊपर ये सारी मूवी घूमती है, वो है जी अमृत सज्जन। उसके बाद भागीरथी भाई कदीम बतौर छोटी माँ भाया जी की सुतेली माँ के रोल में आपको नजर आएंगे। के जोया हुसैन बतौर मेथाली के जत्थन गोस्वामी बतौर अभिनव सिंह श्रीनू की बतौर चंद्र भान सिंह विपन शर्मा बतौर FI मंगन अभिषेक रंजन बतौर रवि
भोला के तौर पर आचार्य अन्यत नजर आएंगे। आकाश मगीजा बतौर विद्नत, अमरिंदर शर्मा बतौर नयाज, जय हिंद कुमार बतौर पंडित, बंटू के तौर पर निखिल मेहता, विभू शर्मा बतौर बॉबी के रोल में इस मूवी में आपको नजर आएंगे। दोस्तों फिल्म का जो ऐलान है वो किया गया था अगस्त 2023 में और इस मूवी की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है उसका आगाज़ हो गया था 19 सितंबर 2023 को। ये प्रोजेक्ट मनोज वाजपेयी और अपूर्व सिंह काल की सिर्फ एक बंदा काफ़ी है फिल्म के बाद दूसरा इश्तराक है। पहली मूवी जिसने बनाई, दूसरी मूवी भी इसी ने बनाई है। पहली मूवी में जिसने इसको मेन किरदार अदा किया, दूसरी मूवी में भी वो ही इसको किरदार अदा दे रहे हैं। जो फिल्म बंदी दोस्तों की जो है शूटिंग इस विलायत उत्तर प्रदेश में की गई थी। कास्टिंग में मनोज वाजपेयी ने मरकजी किरदार अदा किया है जबकि जोया हुसैन मरकजी खातून का किरदार अदा कर रही है। ओके, सुरिंदु के मुखालिफ का किरदार अदा करते आपको इस मूवी में नजर आएंगे। सरकारी डेट्स के निकाब कोशाई 20 मार्च 2024 को की गई थी। फिल्म का ट्रेलर 9 मई 2024 को जारी किया गया था और ये फिल्म थिएटर में 24 मई 2024 को रिलीज हुई थी। 26 जुलाई 2024 से और ये जी प्रीमियर पर रिलीज हुई थी। साउंड ट्रैक दोस्तों इस मूवी की जो फिल्म की जो मौसीकी है वो मनोज तिवारी दीपक ठाकुर ने तरतीब दी है और बोल डॉक्टर सागे ने लिखे हैं। बाघ का गिरिजा के उन्वान से पहला गाना 24 अप्रैल 2024 को रिलीज हुआ था। दूसरा गाना जिसका उन्वान था चक्का जाम 24 मई 2024 को रिलीज हुआ। सही है। अब टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है अपूर्व सिंह करिकी। राइटर भी अपूर्व सिंह ही हैं और इसके साथ दे रहे हैं दीपक केनकरानी। प्रोड्यूस्ड बाय विनोद होनोशाली, इसके साथ कमलेश मनोज वाजपेयी शबना रजा शील ओशाल शमशा ओसवल मेन किरदार अदा कर रहे हैं। मनोज वाजपेयी जोया हुसैन सिंदीद विकी जतिन जोशवानी सैनमोग्राफी अर्जुन कुरकीति एडिट समीत कोटीन म्यूजिक बाई सॉन्ग्स मनोज तिवारी दीपक ठाकुर इसके साथ तिलिका उपाडे और इसके स्कोर की बात कर लें तो दे रही है इसमें संदीप स्वीता। प्रोडक्शन कंपनी जो है ना वो है जी वनुशाली स्टूडियोस लिमिटेड FSO प्रोडक्शंस। डिस्ट्रीब्यूट बाय पेन मॉड्यूलर एंटरटेनमेंट्स। रिलीज डेट है जी 24 मई 2024। रनिंग टाइम इसका 131 मिनट, 2 घंटे 10 मिनट की ये स्टोरी है। कंट्री इसकी जो है ना वो इंडिया है। लैंग्वेज इसकी हिंदी ही है और इसने बॉक्स ऑफिस पर 11.52 करोड़ का बिजनेस किया और अभी तो ये बिजनेस करेगी, देखते हैं कि कितना बिजनेस करती है। भाया जी 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे अपूर्व सिंह को कार की ने लिखा है। अपूर्व सिंह कार की ने लिखा जिसने इसे दीपक कनगरानी के साथ मिलकर लिखा है। इसमें मनोज बा जयपाई ने मरकजी किरदार अदा किया है। मनोज वाजपेयी ने मरकजी किरदार अदा किया है जो कानूनी ड्रामा सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। उसमें भी इसमें किरदार अदा किया था और इस मूवी में भी ये भाया जी में भी मेन किरदार अदा करते आपको नजर आएंगे। वरना ये अक्सर मूवी में ये सैड हीरो के रोल में भी काम करते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए विलन के रोल में भी ये जो है ना काम करते आपको नजर आए हैं, लेकिन आजकल जो है ना ये हीरो के रोल में नजर आ रही है चैनल जी। और इसके बाद जो है ना
दोबारा ये जो इसकी दूसरी मूवी होगी। अगर कहानी की बात कर लें तो ये दोस्तों एक छोटी सी बहस के दौरान अपने छोटे भाई की बस बदकिस्मत मौत के बाद भाया जी यानी के मनोज वाजपेयी एक रिटायर और खौफ ज़दा मुजरिम जिम्मेदार बासर गुज्जर के खिलाफ इंसाफ की तलाश में निकलता है। वो अपने वफादार साथियों को इकट्ठा करता है और इंतकाम की एक तहरीक को जन्म देता है जो पूरी मुजरमाना दुनिया के लिए ख़तरा है। ये जो मूवी है ये फाइटिंग मूवी है। इस मूवी में भाया नाम देख लिया, भाया जी मतलब बड़ा भाई है, उसका जो छोटा भाई है उसको कत्ल कर दे देता है। तो फिर जो बड़ा भाई है वो अपने छोटे भाई का बदला लेता है और जो बड़ा भाई है वो अपने जो उसके मुखलिस दोस्त हैं उनको बुलाते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि हम ये तहरीक बनाना चाहते हैं, क्या आप मेरा साथ दोगे। तो जो मुखलिस दोस्त होते हैं तो आपको पता है कि वो हर मुसीबत में साथ खड़े होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी ज़रूर। तो फिर यूँ तहरीक का आगाज़ होता है और फिर चुन चुन कर जो इनके मुखालफीन हैं उनको मारा जाता है। तो ये है इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको भी बताई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है। भैया जी जो हो गया, उसके भाई हो गए, उसके दोस्त हैं, रियल में उनका क्या नाम है और इस मूवी में उनका क्या नाम होगा, ए टू ज़ेड। अब मैं आपको इसकी तरफ लेके चलता हूँ, कास्ट की तरफ लेके। दोस्तों इस मूवी में मनोज वाजपेयी यानी कि हीरो जो हो गए वो बतौर रामचरण त्रिपाठी उर्फ भाया जी के रोल में नजर आएंगे। सही है जी। आगे चलते हैं। अमृत सज्जन बतौर नौजवान भाया जी। अमृत सज्जन भाया जी के छोटे भाई हैं और नौजवान हैं और इस मूवी में ये हीरो के भाई के रोल में नजर आएंगे, जिसके ऊपर ये सारी मूवी घूमती है। वो है जी अमृत सज्जन। उसके बाद भागीरथी भाई कदीम बतौर छोटी माँ भाया जी की सुतेली माँ के रोल में आपको नजर आएंगे। के जोया हुसैन बतौर मेथाली के जत्थन गोस्वामी बतौर अभिनव सिंह श्रीनू की बतौर चंद्र भान सिंह विपन शर्मा बतौर एफ आई मंगन अभिषेक रंजन बतौर रवि भोला के तौर पर आचार्य अन्यत नजर आएंगे। आकाश मगीजा बतौर विदनत अमरिंदर शर्मा बतौर नयाज जय हिंद कुमार बतौर पंडित बंटू के तौर पर निखिल मेहता विभू शर्मा बतौर बॉबी के रोल में इस मूवी में आपको नजर आएंगे। दोस्तों फिल्म का जो ऐलान है वो किया गया था अगस्त 2023 में और इस मूवी की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है उसका आगाज़ हो गया था 19 सितंबर 2023 को। ये प्रोजेक्ट मनोज वाजपेयी और अपूर्व सिंह काल की सिर्फ एक बंदा काफ़ी है फिल्म के बाद दूसरा इश्तराक है। पहली मूवी जिसने बनाई दूसरी मूवी भी इसी ने बनाई है। पहली मूवी में जिसने इसको मेन किरदार अदा किया दूसरी मूवी में भी वो ही इसको किरदार अदा दे रहे हैं। फिल्म बंदी दोस्तों की जो है शूटिंग इस उत्तर प्रदेश में की गई थी। कास्टिंग में मनोज वाजपेयी ने मरकजी किरदार अदा किया है जबकि जोया हुसैन मरकजी खातून का किरदार अदा कर रही है। ओके सुरिंदु के मुखालिफ का किरदार अदा करते आपको इस मूवी में नजर आएंगे। सरकारी टेस्ट के निकाब कोशाई 20 मार्च 2024 को की गई थी। फिल्म का ट्रेलर 9 मई 2024 को जारी किया गया था और ये फिल्म थिएटर में 24 मई 2024 को रिलीज हुई थी। 26 जुलाई 2024 से और ये जी प्रीमियर पर रिलीज हुई थी। साउंडट्रैक दोस्तों इस मूवी की जो फिल्म की जो मौसीकी है वो मनोज तिवारी दीपक ठाकुर ने तरतीब दी है और बोल डॉक्टर सागे ने लिखे हैं। बाघ का क्रीजा के उन्वान से पहला गाना 24 अप्रैल 2024 को रिलीज हुआ था। दूसरा गाना जिसका उन्वान था चक्का जाम 24 मई 2024 को रिलीज हुआ। सही है। अब टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है अपूर्व सिंह
करिकी, राइटर भी अपरूप सिंह ही हैं और इसके साथ दे रहे हैं दीपक केनकरानी। प्रोड्यूस्ड बाई विनोद होनोशाली, इसके साथ कमलेश, मनोज वाजपेयी, शबना रजा, शील ओशाल, शमीक्षा ओसवाल मेन किरदार अदा कर रहे हैं, मनोज वाजपेयी, जोया हुसैन, सिंदीद विकी, जतिन जोशवानी, सैनमोग्राफी अर्जुन कुरकीति, एडिट समीत कोटीन, म्यूजिक बाई सॉन्ग्स मनोज तिवारी, दीपक ठाकुर, इसके साथ तलिका उपाडे और इसके स्कोर की बात कर लें तो दे रही है इसमें संदीप स्वीता। प्रोडक्शन कंपनी जो है ना वो है जी वनुशाली स्टूडियोस लिमिटेड FSO प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूट बाय पेन मॉड्यूलर एंटरटेनमेंट्स। रिलीज डेट है जी 24 मई 2024। रनिंग टाइम इसका 131 मिनट, 2 घंटे 10 मिनट की ये स्टोरी है। कंट्री इसकी जो है ना वो इंडिया है, लैंग्वेज इसकी हिंदी ही है और इसने बॉक्स ऑफिस पर 11.52 करोड़ का बिजनेस किया और अभी तो ये बिजनेस करेगी, देखते हैं कि कितना बिजनेस करती है। भाया जी 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे अपूर्व सिंह को कार की ने लिखा है, अपूर्व सिंह कार की ने लिखा जिसने इसे दीपक कनगरानी के साथ मिलकर लिखा है। इसमें मनोज वाजपेयी ने मरकजी किरदार अदा किया है, मनोज वाजपेयी ने मरकजी किरदार अदा किया है जो कानूनी ड्रामा सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। उसमें भी इसमें किरदार अदा किया था और इस मूवी में भी ये भाई अजी में भी किरदार अदा करते हैं, आपको नजर आएंगे, वरना ये अक्सर मूवी में ये सैड हीरो के रोल में भी काम करते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए विलन के रोल में भी ये जो है ना काम करते आपको नज़र आए हैं, लेकिन आजकल जो है ना ये हीरो के रोल में नज़र आ रही है चैन जी। और इसके बाद जो है ना दोबारा ये जो इसकी दूसरी मूवी होगी। अगर कहानी की बात कर लें तो ये दोस्तों एक छोटी सी बहस के दौरान अपने छोटे भाई की बस बदकिस्मत मौत के बाद भाया जी यानी के मनोज वाजपेयी एक रिटायर और खौफ ज़दा मुजरिम जिम्मेदार बासर गुज्जर के खिलाफ इंसाफ की तलाश में निकलता है। वो अपने वफादार साथियों को इकट्ठा करता है और इंतकाम की एक तहरीक को जन्म देता है जो पूरी मुजरमाना दुनिया के लिए ख़तरा है। ये जो मूवी है ये फाइटिंग मूवी है। इस मूवी में भाया नाम देख लिया, भाया जी मतलब बड़ा भाई है, उसका जो छोटा भाई है उसको कत्ल कर दे देता है तो फिर जो बड़ा भाई है वो अपने छोटे भाई का बदला लेता है और जो बड़ा भाई है वो अपने जो उसके मुखलिस दोस्त हैं उनको बुलाते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और कहता है कि हम ये तहरीक बनाना चाहते हैं, क्या आप मेरा साथ दोगे? तो जो मुखलिस दोस्त होते हैं तो आपको पता है कि वो हर मुसीबत में साथ खड़े होते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी ज़रूर। तो फिर यूँ तहरीक का आगाज़ होता है और फिर चुन चुन कर जो इनके मुखालफिन हैं उनको मारा जाता है। तो ये है इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको भी बताई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है। भैया जी जो हो गया, उसके भाई हो गए, उसके दोस्त हैं, रियल में उनका क्या नाम है और इस मूवी में उनका क्या नाम होगा, तो जी अब मैं आपको इसकी तरफ लेके चलता हूँ, कास्ट की तरफ लेकर। दोस्तों इस मूवी में मनोज वाजपेयी यानी कि हीरो जो हो गए वो बतौर रामचरण त्रिपाठी उर्फ भाया जी के रोल में नजर आएंगे। सही है जी, आगे चलते हैं। अमृत सज्जन बतौर नौजवान भाया जी, अमृत सज्जन भाया जी के छोटे भाई हैं और नौजवान हैं और इस मूवी में ये हीरो के भाई के रोल में नजर आएंगे जिसके ऊपर ये सारी की सारी मूवी घूमती है, वो है जी अमृत सज्जन। उसके बाद भागीरथी भाई कदीम बतौर छोटी माँ भाया जी की सुतेली माँ के रोल में आपको नजर आएंगे। के जोया हुसैन बतौर मेथाली, ओके जत्थन गोस्वामी बतौर
एवेन्यू सिंह, सरिन्नू की बतौर चंद्रभान सिंह, विपन शर्मा बतौर एफ आई मंगन, अभिषेक रंजन बतौर रवि, भोला के तौर पर आचार्य अन्यत्र नजर आएंगे, आकाश मगीजा बतौर विद्नत, अमरिंदर शर्मा बतौर नयाज, जय हिंद कुमार बतौर पंडित, बंटू के तौर पर निखिल मेहता, विभू शर्मा बतौर बॉबी के रोल में इस मूवी में आपको नजर आएंगे। दोस्तों फिल्म का जो ऐलान है वो किया गया था अगस्त 2023 में और इस मूवी की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है उसका आगाज़ हो गया था 19 सितंबर 2023 को। ये प्रोजेक्ट मनोज वाजपेयी और अपूर्व सिंह काल की सिर्फ एक बंदा काफ़ी है फिल्म के बाद दूसरा इश्तराक है। पहली मूवी जिसने बनाई, दूसरी मूवी भी इसी ने बनाई है। पहली मूवी में जिसने इसको मेन किरदार अदा किया, दूसरी मूवी में भी वो ही इसको किरदार अदा दे रहे हैं। फिल्म बंदी दोस्तों की जो है वो शूटिंग इस तौर पर उत्तर प्रदेश में की गई थी। कास्टिंग में मनोज वाजपेयी ने मरकजी किरदार अदा किया है जबकि जोया हुसैन मरकजी खातून का किरदार अदा कर रही है। ओके, सुरिंदू के मुखालिफ का किरदार अदा करते आपको इस मूवी में नजर आएंगे। सरकारी टेस्ट के निकाब कोशाई 20 मार्च 2024 को की गई थी। फिल्म का ट्रेलर 9 मई 2024 को जारी किया गया था और ये फिल्म थिएटर में 24 मई 2024 को रिलीज हुई थी। 26 जुलाई 2024 से और ये जी प्रीमियर पर रिलीज हुई थी। साउंड ट्रैक दोस्तों इस मूवी की जो फिल्म की जो मौसीकी है वो मनोज तिवारी दीपक ठाकुर ने तरतीब दी है और बोल डॉक्टर सागे ने लिखे हैं। बाघ का क्रीजा के उन्वान से पहला गाना 24 अप्रैल 2024 को रिलीज हुआ था। दूसरा गाना जिसका उन्वान था चक्का जाम 24 मई 2024 को रिलीज हुआ। सही है। अब टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है अपूर्व सिंह करिकी। राइटर भी अपूर्व सिंह ही हैं और इसके साथ दे रहे हैं दीपक केनकरानी। प्रोड्यूस्ड बाय विनोद भोनशाली, इसके साथ कमलेश, मनोज वाजपेयी, शबना रजा, शील ओशाल, शमशा ओसवल मेन किरदार अदा कर रहे हैं। मनोज वाजपेयी, जोया हुसैन, सिंधीद विकी, जतिन जोशवानी, सैनमोग्राफी अर्जुन कुरकीति, एडिट समीत कोटीन, म्यूजिक बाई सॉन्ग्स मनोज तिवारी, दीपक ठाकुर, इसके साथ तिलिका उपाडे और इसके स्कोर की बात कर लें तो दे रही है इसमें संदीप स्वीता। प्रोडक्शन कंपनी जो है ना वो है जी भोनशाली स्टूडियोज लिमिटेड FSO प्रोडक्शंस। डिस्ट्रीब्यूट बाय पेन मॉड्यूलर इंटरटेनमेंट्स। रिलीज डेट है जी 24 मई 2024। रनिंग टाइम इसका 131 मिनट, 2 घंटे 10 मिनट की ये स्टोरी है। कंट्री इसकी जो है ना वो इंडिया है। लैंग्वेज इसकी हिंदी ही है और इसने बॉक्स ऑफिस पर 11.52 करोड़ का बिजनेस किया और अभी तो ये बिजनेस करेगी, देखते हैं कि कितना बिजनेस करती है। भाया जी 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे अपूर्व सिंह को कार की ने लिखा है। अपूर्व सिंह कार की ने लिखा जिसने इसे दीपक कनगरानी के साथ मिलकर लिखा है। इसमें मनोज वाजपेयी ने मरकजी किरदार अदा किया है। जो कानूनी ड्रामा सिर्फ एक बंदा काफ़ी है।
सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, उसमें भी इस मेन किरदार अदा किया था और इस मूवी में भी ये भाई अजी में भी मेन किरदार अदा करते आपको नजर आएंगे। वरना ये अक्सर मूवी में ये सैड हीरो के रोल में भी काम करते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए विलेन के रोल में भी ये जो है ना काम करते आपको नजर आए हैं, लेकिन आज कल जो है ना ये हीरो के रोल में नजर आ रही है चैन जी। और इसके बाद जो है ना दोबारा ये जो इसकी दूसरी मूवी होगी। अगर कहानी की बात कर लें तो ये दोस्तों एक छोटी सी बहस के दौरान अपने छोटे भाई की बस बदकिस्मत मौत के बाद भाया जी यानी के मनोज वाजपेयी एक रिटायर और खौफ ज़दा मुजरिम जिम्मेदार बासर गुज्जर के खिलाफ इंसाफ की तलाश में निकलता है। वो अपने वफादार साथियों को इकट्ठा करता है और इंतकाम की एक तहरीक को जन्म देता है जो पूरी मुजरमाना दुनिया के लिए ख़तरा है। ये जो मूवी है ये फाइटिंग मूवी है, इस मूवी में भाई नाम देख लिया भाई जी मतलब बड़ा भाई है, उसका जो छोटा भाई है उसको कत्ल कर दे देता है, तो फिर जो बड़ा भाई है वो अपने छोटे भाई का बदला लेता है और जो बड़ा भाई है वो अपने जो उसके मुखलिस दोस्त हैं उनको बुलाते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि हम ये तहरीक बनाना चाहते हैं, क्या आप मेरा साथ दोगे। तो जो मुखलिस दोस्त होते हैं तो आपको पता है कि वो हर मुसीबत में साथ खड़े होते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी ज़रूर। तो फिर यूँ तहरीक का आगाज़ होता है और फिर चुन चुन कर जो इनके मुखालफीन हैं उनको मारा जाता है। तो सो ये है इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको भी बताई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है। भैया जी जो हो गया, उसके भाई हो गए, उसके दोस्त हैं, रियल में उनका क्या नाम है और इस मूवी में उनका क्या नाम होगा, ए टू जी। अब मैं आपको इसकी तरफ लेके चलता हूँ, कास्ट की तरफ लेकर। दोस्तों इस मूवी में मनोज वाजपेयी यानी कि हीरो जो होंगे वो बतौर रामचरण त्रिपाठी उर्फ भाया जी के रोल में नजर आएंगे। सही है जी, आगे चलते हैं। अमृत सज्जन बतौर नौजवान भाया जी, अमृत सज्जन भाया जी के छोटे भाई हैं और नौजवान हैं और इस मूवी में ये हीरो के भाई के रोल में नजर आएंगे, जिसके ऊपर ये सारी की सारी मूवी घूमती है, वो है जी अमृत सज्जन। उसके बाद भागीरथी भाई कदीम बतौर छोटी माँ भाया जी की सुतेली माँ के रोल में आपको नजर आएंगे। के जोया हुसैन बतौर मेथाली के जत्थन गोस्वामी बतौर एवेन्यू सिंह सरिन्नू की बतौर चंदर भान सिंह विपन शर्मा बतौर एफ आई मंगन अभिषेक रंजन बतौर रवि भोला के तौर पर आचार्य अन्यत नजर आएंगे। आकाश मगीजा बतौर विदनत अमरिंदर शर्मा बतौर नयाज जय हिंद कुमार बतौर पंडित बंटू के तौर पर निखिल मेहता विभू शर्मा बतौर बॉबी के रोल में इस मूवी में आपको नजर आएंगे। दोस्तों फिल्म का जो ऐलान है वो किया गया था अगस्त 2023 में और इस मूवी की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है उसका आगाज़ हो गया था 19 सितंबर 2023 को। ये प्रोजेक्ट मनोज वाजपेयी और अप्रो सिंह काल की सिर्फ एक बंदा काफ़ी है फिल्म के बाद दूसरा इश्तराक है। पहली मूवी जिसने बनाई, दूसरी मूवी भी इसी ने बनाई है। पहली मूवी में जिसने इसको मेन किरदार अदा किया, आप दूसरी मूवी में भी वो ही इसको किरदार अदा दे रहे हैं। फिल्म बंदी दोस्तों की जो है शूटिंग इस उत्तर प्रदेश में की गई थी। कास्टिंग में मनोज वाजपेयी ने मरकजी किरदार अदा किया है जबकि जोया हुसैन मरकजी खातून का किरदार अदा कर रही है। ओके, सुरिंदू के मुखालिफ का किरदार अदा करते आपको इस मूवी में नजर आएंगे। सरकारी टेस्ट के निकाब कोशाई 20 मार्च 2024 को की गई थी। फिल्म का ट्रेलर 9 मई 2024 को जारी किया गया था और ये फिल्म थिएटर में 24 मई 2024 को रिलीज़ हुई थी। 26 जुलाई 2024 से और ये जी प्रीमियर पर रिलीज़ हुई थी।
साउंड ट्रैक दोस्तों इस मूवी की जो फिल्म की जो मौसीकी है वो मनोज तिवारी दीपक ठाकुर ने तरतीब दी है और बोल डॉक्टर सागे ने लिखे हैं। बाघ का क्रीजा के उन्वान से पहला गाना 24 अप्रैल 2024 को रिलीज हुआ था। दूसरा गाना जिसका उन्वान था चक्का जाम 24 मई 2024 को रिलीज़ हुआ। सही है। अब टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है अपरूप सिंह करिकी। राइटर भी अपरूप सिंह ही हैं और इसके साथ दे रहे हैं दीपक केनकरानी। प्रोड्यूस्ड बाय विनोद होनोशाली, इसके साथ कमलेश, मनोज वाजपेयी, शबना रजा, शील ओशाल, शमशा ओसवल मेन किरदार अदा कर रहे हैं, मनोज वाजपेयी, जोया हुसैन, सिंधीद विकी, जतिन जोशवानी, सिनेमेटोग्राफी अर्जुन कुरकीति, एडिट समीत कोटीन, म्यूजिक बाई सॉन्ग्स मनोज तिवारी, दीपक ठाकुर, इसके साथ तिलिका उपाडे और इसके स्कोर की बात कर लें तो दे रही है इसमें संदीप स्वीता। प्रोडक्शन कंपनी जो है ना वो है जी वनुशाली स्टूडियोज लिमिटेड SSO प्रोडक्शंस। डिस्ट्रीब्यूट बाई पेन मॉड्यूलर इंटरटेनमेंट्स। रिलीज डेट है जी 24 मई 2024। रनिंग टाइम इसका 131 मिनट, 2 घंटे 10 मिनट की ये स्टोरी है। कंट्री इसकी जो है ना वो इंडिया है। लैंग्वेज इसकी हिंदी ही है और इसने बॉक्स ऑफिस पर 11.52 करोड़ का बिजनेस किया और अभी तो ये बिजनेस करेगी, देखते हैं कि कितना बिजनेस करती है। भाया जी 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे अपूर्व सिंह को कार की ने लिखा है। अपूर्व सिंह कार की ने लिखा जिसने इसे दीपक कनगरानी के साथ मिलकर लिखा है। इसमें मनोज बा जयपाई ने मरकजी किरदार अदा किया है। मनोज वाजपेयी ने मरकजी किरदार अदा किया है जो कानूनी ड्रामा सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। उसमें भी इसमें किरदार अदा किया था और इस मूवी में भी ये भाया जी में भी किरदार अदा करते आपको नजर आएंगे, वरना ये अक्सर मूवी में ये सैड हीरो के रोल में भी काम करते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए विलन के रोल में भी ये जो है ना काम करते आपको नजर आए हैं, लेकिन आजकल जो है ना ये हीरो के रोल में नजर आ रही है चैन जी। और इसके बाद जो है ना दोबारा ये जो इसकी दूसरी मूवी होगी। अगर कहानी की बात कर लें तो ये दोस्तों एक छोटी सी बहस के दौरान अपने छोटे भाई की बस बदकिस्मत मौत के बाद भाया जी यानी के मनोज वाजपेयी एक रिटायर और खौफ ज़दा मुजरिम जिम्मेदार बासर गुज्जर के खिलाफ इंसाफ की तलाश में निकलता है। वो अपने वफादार साथियों को इकट्ठा करता है और इंतकाम की एक तहरीक को जन्म देता है जो पूरी मुजरमाना दुनिया के लिए ख़तरा है। ये जो मूवी है ये फाइटिंग मूवी है। इस मूवी में भाई नाम देख लिया, भाया जी मतलब बड़ा भाई है, उसका जो छोटा भाई है उसको कत्ल कर दे देता है, तो फिर जो बड़ा भाई है वो अपने छोटे भाई का बदला लेता है और जो बड़ा भाई है वो अपने जो उसके मुखलिस दोस्त हैं उनको बुलाते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि हम ये तहरीक बनाना चाहते हैं, क्या आप मेरा साथ दोगे? तो जो मुखलिस दोस्त होते हैं तो आपको पता है कि वो हर मुसीबत में साथ खड़े होते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी ज़रूर। तो फिर यूँ तहरीक का आगाज़ होता है और फिर चुन चुन कर जो इनके मुखालफीन हैं उनको मारा जाता है। तो ये है इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको भी बताई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है। भैया जी जो हो गया, उसके भाई हो गए, उसके दोस्त हैं, रियल में उनका क्या नाम है और इस मूवी में उनका क्या नाम होगा ए टू जी, अब मैं आपको इसकी तरफ लेके चलता हूँ, कास्ट की तरफ लेके चलूँगा। दोस्तों इस मूवी में मनोज वाजपेयी यानी कि हीरो जो हो गए वो बतौर रामचरण त्रिपाठी उर्फ भाया जी के रोल में नजर आएंगे। सही है जी। आगे चलते हैं। अमृत सचन बतौर नौजवान भाया जी,
अमृत सच्चन भाया जी के छोटे भाई है और नौजवान है, और इस मूवी में ये हीरो के भाई के रोल में नजर आएंगे, जिसके ऊपर ये सारी मूवी घूमती है, वो है जी अमृत सच्चन। उसके बाद भागीरथी भाई कदीम बतौर छोटी माँ भाया जी की सुतेली माँ के रोल में आपको नजर आएंगे। जोया हुसैन बतौर मेथाली, ओके जत्थन गोस्वामी बतौर अभिनव सिंह, श्रीनू की बतौर चंद्र भान सिंह, विपन शर्मा बतौर एफ आई मंगन, अभिषेक रंजन बतौर रवि, भोला के तौर पर आचार्य अन्यत नजर आएंगे, आकाश मगीजा बतौर विद्नत, अमरिंदर शर्मा बतौर नयाज, जय हिंद कुमार बतौर पंडित, बंटू के तौर पर निखिल मेहता, विभू शर्मा बतौर बॉबी के रोल में इस मूवी में आपको नजर आएंगे। दोस्तों फिल्म का जो ऐलान है वो किया गया था अगस्त 2023 में, और इस मूवी की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है उसका आगाज़ हो गया था 19 सितंबर 2023 को। ये प्रोजेक्ट मनोज वाजपेयी और अपूर्व सिंह काल की सिर्फ एक बंदा काफ़ी है फिल्म के बाद दूसरा इश्तराक है। पहली मूवी जिसने बनाई, दूसरी मूवी भी इसी ने बनाई है। पहली मूवी में जिसने इसको मेन किरदार अदा किया, दूसरी मूवी में भी वो ही इसको किरदार अदा दे रहे हैं। फिल्म बंदी दोस्तों की जो है शूटिंग इस तौर पर उत्तर प्रदेश में की गई थी। कास्टिंग में मनोज वाजपेयी ने मरकजी किरदार अदा किया है, जबकि जोया हुसैन मरकजी खातून का किरदार अदा कर रही है। ओके सुरिंदु के मुखालिफ का किरदार अदा करते आपको इस मूवी में नजर आएंगे। सरकारी डेट्स के निकाब कोशाई 20 मार्च 2024 को की गई थी। फिल्म का ट्रेलर 9 मई 2024 को जारी किया गया था, और ये फिल्म थिएटर में 24 मई 2024 को रिलीज़ हुई थी। 26 जुलाई 2024 से और ये जी प्रीमियर पर रिलीज़ हुई थी। साउंड ट्रैक दोस्तों इस मूवी की जो फिल्म की जो मौसीकी है वो मनोज तिवारी दीपक ठाकुर ने तरतीब दी है, और बोल डॉक्टर सागे ने लिखे हैं। बाघ का क्रिजा के उन्वान से पहला गाना 24 अप्रैल 2024 को रिलीज़ हुआ था। दूसरा गाना जिसका उन्वान था चक्का जाम 24 मई 2024 को रिलीज़ हुआ। सही है, अब टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है अपूर्व सिंह करिकी, राइटर भी अपूर्व सिंह ही हैं, और इसके साथ दे रहे हैं दीपक केनकरानी। प्रोड्यूस्ड बाय विनोद भोनशाली, इसके साथ कमलेश मनोज वाजपेयी शबना रजा शील ओशाल शमशा ओसवल मेन किरदार अदा कर रहे हैं। मनोज वाजपेयी जोया हुसैन सिंदीद विकी जतिन जोशवानी सैनमोग्राफी अर्जुन कुरकीति एडिट समीत कोटीन म्यूजिक बाई सॉन्ग्स मनोज तिवारी दीपक ठाकुर इसके साथ तलिका उपाडे, और इसके स्कोर की बात कर लें तो दे रही है इसमें संदीप स्वीता। प्रोडक्शन कंपनी जो है ना वो है जी वनुशाली स्टूडियोस लिमिटेड FSO प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूट बाय पेन मॉड्यूलर इंटरटेनमेंट्स। रिलीज डेट है जी 24 मई 2024। रनिंग टाइम इसका 131 मिनट, 2 घंटे 10 मिनट की ये स्टोरी है। कंट्री इसकी जो है ना वो इंडिया है, लैंग्वेज इसकी हिंदी ही है, और इसे बॉक्स ऑफिस पर 11.52 करोड़ का बिजनेस किया, और अभी तो ये बिजनेस करेगी, देखते हैं कि कितना बिजनेस करती है। भाया जी 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे अपूर्व सिंह को कार की ने लिखा है। अपूर्व सिंह
कार्की ने लिखा, जिसने इसे दीपक कनगरानी के साथ मिलकर लिखा है। इसमें मनोज बाजपाई ने मरकजी किरदार अदा किया है। मनोज बाजपाई ने मरकजी किरदार अदा किया है, जो कानूनी ड्रामा सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, उसमें भी इसमें किरदार अदा किया था। और इस मूवी में भी ये भाई अजी में भी इन किरदार अदा करते आपको नजर आएंगे, वरना ये अक्सर मूवी में ये सैड हीरो के रोल में भी काम करते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए विलन के रोल में भी ये जो है ना काम करते आपको नज़र आए हैं, लेकिन आज कल जो है ना ये हीरो के रोल में नज़र आ रही है चैनल जी। और इसके बाद जो है ना दोबारा ये जो इसकी दूसरी मूवी होगी। अगर कहानी की बात कर लें तो ये दोस्तों एक छोटी सी बहस के दौरान अपने छोटे भाई की बस बदकिस्मत मौत के बाद भाया जी यानी के मनोज बाजपाई एक रिटायर और खौफजदा मुजरिम जिम्मेदार बासर गुज्जर के खिलाफ इंसाफ की तलाश में निकलता है। वो अपने वफादार साथियों को इकट्ठा करता है और इंतकाम की एक तहरीक को जन्म देता है, जो पूरी मुजरमाना दुनिया के लिए ख़तरा है। ये जो मूवी है ये फाइटिंग मूवी है। इस मूवी में भाई नाम देख लिया, भाई अजीब मतलब बड़ा भाई है, उसका जो छोटा भाई है उसको कत्ल कर दे देता है, तो फिर जो बड़ा भाई है वो अपने छोटे भाई का बदला लेता है, और जो बड़ा भाई है वो अपने जो उसके मुखलिस दोस्त हैं उनको बुलाते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और कहता है कि हम ये तहरीक बनाना चाहते हैं, क्या आप मेरा साथ दोगे? तो जो मुखलिस दोस्त होते हैं तो आपको पता है कि वो हर मुसीबत में साथ खड़े होते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी ज़रूर। तो फिर यूँ तहरीक का आगाज़ होता है और फिर चुन चुन कर जो उनके मुखालफीन हैं उनको मारा जाता है। तो ये है इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको भी बताई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है। भैया जी जो हो गया, उसके भाई हो गए, उसके दोस्त हैं, रियल में उनका क्या नाम है और इस मूवी में उनका क्या नाम होगा, ए टू जी। अब मैं आपको इसकी तरफ लेके चलता हूँ, कास्ट की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों इस मूवी में मनोज बाजपाई यानी कि हीरो जो हो गए वो बतौर रामचरण त्रिपाठी उर्फ भाया जी के रोल में नजर आएंगे। सही है जी। आगे चलते हैं। अमृत सज्जन बतौर नौजवान भाया जी। अमृत सज्जन भाया जी के छोटे भाई हैं और नौजवान हैं, और इस मूवी में ये हीरो के भाई के रोल में नजर आएंगे, जिसके ऊपर ये सारी मूवी घूमती है। वो है जी अमृत सज्जन। उसके बाद भागीरथी भाई कदीम बतौर छोटी माँ भाया जी की सुतेली माँ के रोल में आपको नजर आएंगे। के जोया हुसैन बतौर मेथाली, ओके जत्थन गोस्वामी बतौर अभिनव सिंह, श्रीनु की बतौर चंद्र भान सिंह, विपन शर्मा बतौर एफ आई मंगन, अभिषेक रंजन बतौर रवि, भोला के तौर पर आचार्य अन्यत नजर आएंगे, आकाश मगीजा बतौर विदनत, अमरिंदर शर्मा बतौर नयाज, जय हिंद कुमार बतौर पंडित, बंटू के तौर पर निखिल मेहता, विभू शर्मा बतौर बॉबी के रोल में इस मूवी में आपको नजर आएंगे। दोस्तों फिल्म का जो ऐलान है वो किया गया था अगस्त 2023 में, और इस मूवी की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है उसका आगाज़ हो गया था 19 सितंबर 2023 को। ये प्रोजेक्ट मनोज बाजपाई और अपूर्व सिंह काल की सिर्फ एक बंदा काफ़ी है फिल्म के बाद दूसरा इश्तराक है। पहली मूवी जिसने बनाई, दूसरी मूवी भी इसी ने बनाई है। पहली मूवी में जिसने इसको मेन किरदार अदा किया, आप दूसरी मूवी में भी वो ही इसको किरदार अदा दे रहे हैं। फिल्म बंदी दोस्तों की जो है शूटिंग इस तौर पर उत्तर प्रदेश में की गई थी। कास्टिंग में मनोज बाजपाई ने मरकजी किरदार अदा किया है, जबकि जोया हुसैन मरकजी खातून का किरदार अदा कर रही है। ओके सुरिंदु के मुखालिफ का किरदार अदा करते आपको इस मूवी में नजर आएंगे। सरकारी टेस के निकाब कोशाई 20 मार्च 2024 को की गई थी। फिल्म का ट्रेलर 9 मई
2024 को जारी किया गया था और ये फिल्म थिएटर में 24 मई 2024 को रिलीज़ हुई थी। 26 जुलाई 2024 से और ये जी प्रीमियर पर रिलीज़ हुई थी। साउंड ट्रैक दोस्तों, इस मूवी की जो फिल्म की जो मौसीकी है वो मनोज तिवारी, दीपक ठाकुर ने तरतीब दी है और बोल डॉक्टर सागे ने लिखे हैं। बाघ का क्रिजा के उन्वान से पहला गाना 24 अप्रैल 2024 को रिलीज़ हुआ था। दूसरा गाना जिसका उन्वान था चक्का जाम 24 मई 2024 को रिलीज़ हुआ। सही है। अब टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है अपरूप सिंह करिकी। राइटर भी अपरूप सिंह ही हैं और इसके साथ दे रहे हैं दीपक केनकरानी। प्रोड्यूस्ड बाई विनोद होनोशाली, इसके साथ कमलेश, मनोज वाजपेयी, शबना रजा, शील ओशाल, शमशा ओसवल मेन किरदार अदा कर रहे हैं, मनोज वाजपेयी, जोया हुसैन, सिंदीद विकी, जतिन जोशवानी, सैनमोग्राफी अर्जुन कुरकीति, एडिट समीत कोटीन, म्यूजिक बाई सॉन्ग्स मनोज तिवारी, दीपक ठाकुर, इसके साथ तिलिका उपाडे और इसके स्कोर की बात कर लें तो दे रही है इसमें संदीप स्वीता। प्रोडक्शन कंपनी जो है ना वो है जी वनुशाली स्टूडियोस लिमिटेड FSO प्रोडक्शंस। डिस्ट्रीब्यूट बाय पेन मॉड्यूलर इंटरटेनमेंट्स। रिलीज डेट है जी 24 मई 2024। रनिंग टाइम इसका 131 मिनट, 2 घंटे 10 मिनट की ये स्टोरी है। कंट्री इसकी जो है ना वो इंडिया है। लैंग्वेज इसकी हिंदी ही है और इसने बॉक्स ऑफिस पर 11.52 करोड़ का बिजनेस किया और अभी तो ये बिजनेस करेगी, देखते हैं कि कितना बिजनेस करती है। भाया जी 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे अपूर्व सिंह को कार की ने लिखा है। अपूर्व सिंह कार की ने लिखा जिसने इसे दीपक कनगरानी के साथ मिलकर लिखा है। इसमें मनोज बा जयपाई ने मरकजी किरदार अदा किया है। मनोज वाजपेयी ने मरकजी किरदार अदा किया है जो कानूनी ड्रामा सिर्फ एक बंदा काफ़ी है उसमें भी इसमें किरदार अदा किया था और इस मूवी में भी ये भाया जी में भी मेन किरदार अदा करते हैं आपको नजर आएंगे, वरना ये अक्सर मूवी में ये सैड हीरो के रोल में भी काम करते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए विलन के रोल में भी ये जो है ना काम करते आपको नजर आए हैं, लेकिन आजकल जो है ना ये हीरो के रोल में नजर आ रही है चैनल जी। और इसके बाद जो है ना दोबारा ये जो इसकी दूसरी मूवी होगी। अगर कहानी की बात कर लें तो ये दोस्तों एक छोटी सी बहस के दौरान अपने छोटे भाई की बस बदकिस्मत मौत के बाद भाया जी यानी के मनोज वाजपेयी एक रिटायर और खौफ ज़दा मुजरिम जिम्मेदार बासर गुज्जर के खिलाफ इंसाफ की तलाश में निकलता है। वो अपने वफादार साथियों को इकट्ठा करता है और इंतकाम की एक तहरीक को जन्म देता है जो पूरी मुजरमाना दुनिया के लिए ख़तरा है। ये जो मूवी है ये फाइटिंग मूवी है। इस मूवी में भाया नाम देख लिया, भाया जी मतलब बड़ा भाई है, उसका जो छोटा भाई है उसको कत्ल कर दे देता है, तो फिर जो बड़ा भाई है वो अपने छोटे भाई का बदला लेता है और जो बड़ा भाई है वो अपने जो उसके मुखलिस दोस्त हैं उनको बुलाते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि हम ये तहरीक बनाना चाहते हैं, क्या आप मेरा साथ दोगे। तो जो मुखलिस दोस्त होते हैं तो आपको पता है कि वो हर मुसीबत में साथ खड़े होते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी ज़रूर। तो फिर यूँ तहरीक का आगाज़ होता है और फिर चुन चुन कर जो इनके मुखालफिन हैं उनको मारा जाता है। सो ये है इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको भी बताई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है। भैया जी जो हो गया, उसके भाई हो गए, उसके दोस्त हैं, रियल में उनका क्या नाम है और इस मूवी में उनका क्या नाम होगा, ए टू जी। अब मैं आपको इसकी तरफ लेके चलता हूँ।
कास्ट की तरफ लेके जाऊंगा। दोस्तों इस मूवी में मनोज बाजपेयी यानी के हीरो जो हो गए वो बतौर रामचरण त्रिपाठी उर्फ भाया जी के रोल में नजर आएंगे। सही है जी, आगे चलते हैं। अमृत सज्जन बतौर नौजवान भाया जी, अमृत सज्जन भाया जी के छोटे भाई हैं और नौजवान हैं और इस मूवी में ये हीरो के भाई के रोल में नजर आएंगे, जिसके ऊपर ये सारी मूवी घूमती है, वो है जी अमृत सज्जन। उसके बाद भागीरथी भाई कदीम बतौर छोटी माँ भाया जी की सुतेली माँ के रोल में आपको नजर आएंगे। जोया हुसैन बतौर मेथाली, ओके जत्थन गोस्वामी बतौर अभिनव सिंह, श्रीनू की बतौर चंद्र भान सिंह, विपन शर्मा बतौर एफ आई मंगन, अभिषेक रंजन बतौर रवि, भोला के तौर पर आचार्य अन्यत नजर आएंगे, आकाश मगीजा बतौर विद्नत, अमरिंदर शर्मा बतौर नयाज, जय हिंद कुमार बतौर पंडित, बंटू के तौर पर निखिल मेहता, विभू शर्मा बतौर बॉबी के रोल में इस मूवी में आपको नजर आएंगे। दोस्तों फिल्म का जो ऐलान है वो किया गया था अगस्त 2023 में और इस मूवी की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है उसका आगाज़ हो गया था 19 सितंबर 2023 को। ये प्रोजेक्ट मनोज बाजपेयी और अपूर्व सिंह काल की सिर्फ एक बंदा काफ़ी है फिल्म के बाद दूसरा इश्तराक है। पहली मूवी जिसने बनाई, दूसरी मूवी भी इसी ने बनाई है। पहली मूवी में जिसने इसको मेन किरदार अदा किया, दूसरी मूवी में भी वो ही इसको किरदार अदा दे रहे हैं। फिल्म बंदी दोस्तों की जो है शूटिंग इस तौर पर उत्तर प्रदेश में की गई थी। कास्टिंग में मनोज बाजपेयी ने मरकजी किरदार अदा किया है जबकि जोया हुसैन मरकजी खातून का किरदार अदा कर रही है। ओके सुरिंदु के मुखालिफ का किरदार अदा करते आपको इस मूवी में नजर आएंगे। सरकारी टेस्ट के निकाब कोशाई 20 मार्च 2024 को की गई थी। फिल्म का ट्रेलर 9 मई 2024 को जारी किया गया था और ये फिल्म थिएटर में 24 मई 2024 को रिलीज हुई थी। 26 जुलाई 2024 से और ये जी प्रीमियर पर रिलीज हुई थी। साउंड ट्रैक दोस्तों इस मूवी की जो फिल्म की जो मौसीकी है वो मनोज तिवारी दीपक ठाकुर ने तरतीब दी है और बोल डॉक्टर सागे ने लिखे हैं। बाघ का क्रीजा के उन्वान से पहला गाना 24 अप्रैल 2024 को रिलीज हुआ था। दूसरा गाना जिसका उन्वान था चक्का जाम 24 मई 2024 को रिलीज हुआ। सही है, अब टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है अपूर्व सिंह करिकी, राइटर भी अपूर्व सिंह ही हैं और इसके साथ दे रहे हैं दीपक केनकरानी। प्रोड्यूस्ड बाई विनोद होनशाली, इसके साथ कमलेश मनोज बाजपेयी शबना रजा शील ओशाल शमीक्षा ओसवाल मेन किरदार अदा कर रहे हैं। मनोज बाजपेयी जोया हुसैन सिंधीद विकी जतिन जोशवानी सैनोग्राफी अर्जुन कुरकीति एडिट समीत कोटीन म्यूजिक बाई सॉन्ग्स मनोज तिवारी दीपक ठाकुर इसके साथ तिलिका उपाडे और इसके स्कोर की बात कर लें तो दे रही है इसमें संदीप स्वीता। प्रोडक्शन कंपनी जो है ना वो है जी होनशाली स्टूडियोस लिमिटेड FSO प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूट बाय पेन मॉड्यूलर एंटरटेनमेंट्स। रिलीज डेट है जी 24 मई 2024। रनिंग टाइम इसका 131 मिनट, 2 घंटे 10 मिनट की ये स्टोरी है। कंट्री इसकी जो है ना वो इंडिया है। लैंग्वेज इसकी हिंदी ही है और इसने बॉक्स ऑफिस पर
11.52 करोड़ का बिजनेस किया और अभी तो ये बिजनेस करेगी, देखते हैं कि कितना बिजनेस करती है। भाया जी 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे अपूर्व सिंह को कार्की ने लिखा है, अपूर्व सिंह कार्की ने लिखा जिसने इसे दीपक कनगरानी के साथ मिलकर लिखा है। इसमें मनोज बाजपाई ने मरकजी किरदार अदा किया है, मनोज बाजपाई ने मरकजी किरदार अदा किया है जो कानूनी ड्रामा सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, उसने भी इसमें किरदार अदा किया था और इस मूवी में भी ये भाई अजी में भी किरदार अदा करते हैं आपको नजर आएंगे, वरना ये अक्सर मूवी में ये सैड हीरो के रोल में भी काम करते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए विलेन के रोल में भी ये जो है ना काम करते आपको नजर आए हैं, लेकिन आजकल जो है ना ये हीरो के रोल में नजर आ रही है चैन जी। और इसके बाद जो है ना दोबारा ये जो इसकी दूसरी मूवी होगी, अगर कहानी की बात कर लें तो ये दोस्तों एक छोटी सी बहस के दौरान अपने छोटे भाई की बस बदकिस्मत मौत के बाद भाया जी यानी के मनोज बाजपाई एक रिटायर और खौफ ज़दा मुजरिम जिम्मेदार बासर गुज्जर के खिलाफ इंसाफ की तलाश में निकलता है। वो अपने वफादार साथियों को इकट्ठा करता है और इंतकाम की एक तहरीक को जन्म देता है जो पूरी मुजरमाना दुनिया के लिए ख़तरा है। ये जो मूवी है ये फाइटिंग मूवी है, इस मूवी में भाया नाम देख लिया, भाया जी मतलब बड़ा भाई है, उसका जो छोटा भाई है उसको कत्ल कर दे देता है, तो फिर जो बड़ा भाई है वो अपने छोटे भाई का बदला लेता है और जो बड़ा भाई है वो अपने जो उसके मुखलिस दोस्त हैं उनको बुलाते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि हम ये तहरीक बनाना चाहते हैं, क्या आप मेरा साथ दोगे? तो जो मुखलिस दोस्त होते हैं तो आपको पता है कि वो हर मुसीबत में साथ खड़े होते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी ज़रूर। तो फिर यूँ तहरीक का आगाज़ होता है और फिर चुन चुन कर जो उनके मुखालफीन हैं उनको मारा जाता है। सो ये है इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको भी बताई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है, भैया जी जो हो गया, उसके भाई हो गए, उसके दोस्त हैं रियल में उनका क्या नाम है और इस मूवी में उनका क्या नाम होगा, तो जी अब मैं आपको इसकी तरफ लेके चलता हूँ कास्ट की तरफ लेकर। दोस्तों इस मूवी में मनोज बाजपाई यानी कि हीरो जो हो गए वो बतौर रामचरण त्रिपाठी उर्फ भाया जी के रोल में नजर आएंगे। सही है जी, आगे चलते हैं। अमृत सज्जन बतौर नौजवान भाया जी, अमृत सज्जन भाया जी के छोटे भाई हैं और नौजवान हैं और इस मूवी में ये हीरो के भाई के रोल में नजर आएंगे, जिसके ऊपर ये सारी की सारी मूवी घूमती है, वो है जी अमृत सज्जन। उसके बाद भागीरथी भाई कदीम बतौर छोटी माँ भाया जी की सुतेली माँ के रोल में आपको नजर आएंगे। ओके, जोया हुसैन बतौर मेथाली, ओके जत्थन गोस्वामी बतौर अभिनव सिंह, श्रीनु की बतौर चंद्र भान सिंह, विपन शर्मा बतौर एफ आई मंगन, अभिषेक रंजन बतौर रवि, भोला के तौर पर आचार्य अन्यत्र नजर आएंगे, आकाश मगीजा बतौर विदनत, अमरिंदर शर्मा बतौर नयाज, जय हिंद कुमार बतौर पंडित, बंटू के तौर पर निखिल मेहता, विभू शर्मा बतौर बॉबी के रोल में इस मूवी में आपको नजर आएंगे। दोस्तों फिल्म का जो ऐलान है वो किया गया था अगस्त 2023 में और इस मूवी की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है उसका आगाज़ हो गया था 19 सितंबर 2023 को। ये प्रोजेक्ट मनोज बाजपाई और अपूर्व सिंह काल की सिर्फ एक बंदा काफ़ी है फिल्म के बाद दूसरा इश्तराक है, पहली मूवी जिसने बनाई दूसरी मूवी भी इसी ने बनाई है, पहली मूवी में जिसने इसको मेन किरदार अदा किया आप दूसरी मूवी में भी वो ही इसको किरदार अदा दे रहे हैं। फिल्म बंदी दोस्तों की जो है शूटिंग इस उत्तर प्रदेश में की गई थी
कास्टिंग में मनोज वाजपेयी ने मरकजी किरदार अदा किया है, जबकि जोया हुसैन मरकजी खातून का किरदार अदा कर रही हैं। ओके, सुनिंदु के मुखालिफ का किरदार अदा करते आपको इस मूवी में नजर आएंगे। सरकारी टेस्ट के निकाब कोशाई 20 मार्च 2024 को की गई थी। फिल्म का ट्रेलर 9 मई 2024 को जारी किया गया था और ये फिल्म थिएटर में 24 मई 2024 को रिलीज़ हुई थी। 26 जुलाई 2024 से और ये जी प्रीमियम पर रिलीज़ हुई थी। साउंड ट्रैक दोस्तों, इस मूवी की जो फिल्म की जो मौसीकी है वो मनोज तिवारी, दीपक ठाकुर ने तरतीब दी है और बोल डॉक्टर सागे ने लिखे हैं। बाघ का क्रीजा के उन्वान से पहला गाना 24 अप्रैल 2024 को रिलीज़ हुआ था। दूसरा गाना जिसका उन्वान था चक्का जाम 24 मई 2024 को रिलीज़ हुआ। सही है। अब टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है अपरूप सिंह करिकी, राइटर भी अपरूप सिंह ही हैं और इसके साथ दे रहे हैं दीपक केनकरानी। प्रोड्यूस्ड बाय विनोद भोनशाली, इसके साथ कमलेश, मनोज वाजपेयी, शबना रजा, शील ओशाल, शमशा ओसवल मेन किरदार अदा कर रहे हैं। मनोज वाजपेयी, जोया हुसैन, सिंधीद विकी, जतिन जोशवानी, सैनमोग्राफी अर्जुन कुरकीति, एडिट समीत कोटीन, म्यूजिक बाई सॉन्ग्स मनोज तिवारी, दीपक ठाकुर, इसके साथ तिलिका उपाडे और इसके स्कोर की बात कर लें तो दे रही है इसमें संदीप स्वीता। प्रोडक्शन कंपनी जो है ना वो है जी भोनशाली स्टूडियोज लिमिटेड, FSO प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूट बाई पेन मॉड्यूलर इंटरटेनमेंट्स। रिलीज डेट है जी 24 मई 2024। रनिंग टाइम इसका 131 मिनट, 2 घंटे 10 मिनट की ये स्टोरी है। कंट्री इसकी जो है ना वो इंडिया है, लैंग्वेज इसकी हिंदी ही है और इसने बॉक्स ऑफिस पर 11.52 करोड़ का बिजनेस किया और अभी तो ये बिजनेस करेगी, देखते हैं कि कितना बिजनेस करती है। भाया जी 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे अपूर्व सिंह को कार की ने लिखा है। अपूर्व सिंह कार की ने लिखा, जिसने इसे दीपक कनगरानी के साथ मिलकर लिखा है। इसमें मनोज बा जयपाई ने मरकजी किरदार अदा किया है। मनोज वाजपेयी ने मरकजी किरदार अदा किया है। जो कानूनी ड्रामा सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, उसमें भी मेन किरदार अदा किया था और इस मूवी में भी ये भाया जी में भी मेन किरदार अदा करते आपको नजर आएंगे। वरना ये अक्सर मूवी में ये सैड हीरो के रोल में भी काम करते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए विलन के रोल में भी ये जो है ना काम करते आपको नजर आए हैं, लेकिन आजकल जो है ना ये हीरो के रोल में नजर आ रही है चैनल जी। और इसके बाद जो है ना दोबारा ये जो इसकी दूसरी मूवी होगी। अगर कहानी की बात कर लें तो ये दोस्तों एक छोटी सी बहस के दौरान अपने छोटे भाई की बस बदकिस्मत मौत के बाद भाया जी यानी के मनोज वाजपेयी एक रिटायर और खौफ ज़दा मुजरिम जिम्मेदार बासर गुज्जर के खिलाफ इंसाफ की तलाश में निकलता है। वो अपने वफादार साथियों को इकट्ठा करता है और इंतकाम की एक तहरीक को जन्म देता है जो पूरी मुजरमाना दुनिया के लिए ख़तरा है। ये जो मूवी है ये फाइटिंग मूवी है। इस मूवी में भाया नाम देख लिया, भाया जी मतलब बड़ा भाई है, उसका जो छोटा भाई है उसको कत्ल कर दे देता है, तो फिर जो बड़ा भाई है वो अपने छोटे भाई का बदला लेता है और जो बड़ा भाई है वो अपने जो उसके मुखलिस दोस्त हैं उनको बुलाते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि हम ये तहरीक बनाना चाहते हैं, क्या आप मेरा साथ दोगे? तो जो मुखलिस दोस्त होते हैं तो आपको पता है कि वो हर
मुसीबत में साथ खड़े होते हैं तो उन्होंने कहा कि जी ज़रूर। तो फिर यूँ तहरीक का आगाज़ होता है और फिर चुन चुन कर जो इनके मुखालफीन हैं उनको मारा जाता है। सो ये है इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको भी बताई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है। भैया जी जो हो गया, उसके भाई हो गए, उसके दोस्त है रियल में उनका क्या नाम है, और इस मूवी में उनका क्या नाम होगा, ए टू जी। अब मैं आपको इसकी तरफ लेके चलता हूँ, कास्ट की तरफ लेके। दोस्तों इस मूवी में मनोज बाजपेयी यानी कि हीरो जो हो गए वो बतौर रामचरण त्रिपाठी उर्फ भाया जी के रोल में नजर आएंगे। सही है जी। आगे चलते हैं, अमृत सज्जन बतौर नौजवान भाया जी। अमृत सज्जन भाया जी के छोटे भाई हैं और नौजवान हैं और इस मूवी में ये हीरो के भाई के रोल में नजर आएंगे, जिसके ऊपर ये सारी की सारी मूवी घूमती है, वो है जी अमृत सज्जन। उसके बाद भागीरथी भाई कदीम बतौर छोटी माँ भाया जी की सुतेली माँ के रोल में आपको नजर आएंगे। के जोया हुसैन बतौर मेथाली के जत्थन गोस्वामी बतौर अभिनव सिंह श्रीनु की बतौर चंद्र भान सिंह विपन शर्मा बतौर एस आई मंगन अभिषेक रंजन बतौर रवि भोला के तौर पर आचार्य अन्यत नजर आएंगे। आकाश मगीजा बतौर विद्नत अमरिंदर शर्मा बतौर नयाज जय हिंद कुमार बतौर पंडित बंटू के तौर पर निखिल मेहता विभू शर्मा बतौर बॉबी के रोल में इस मूवी में आपको नजर आएंगे। दोस्तों फिल्म का जो ऐलान है वो किया गया था अगस्त 2023 में और इस मूवी की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है उसका आगाज़ हो गया था 19 सितंबर 2023 को। ये प्रोजेक्ट मनोज बाजपेयी और अपूर्व सिंह काल की सिर्फ एक बंदा काफ़ी है फिल्म के बाद दूसरा इश्तराक है। पहली मूवी जिसने बनाई, दूसरी मूवी भी इसी ने बनाई है। पहली मूवी में जिसने इसको मेन किरदार अदा किया, दूसरी मूवी में भी वो ही इसको किरदार अदा दे रहे हैं। फिल्म बंदी दोस्तों की जो है शूटिंग इस पर उत्तर प्रदेश में की गई थी। कास्टिंग में मनोज बाजपेयी ने मरकजी किरदार अदा किया है जबकि जोया हुसैन मरकजी खातून का किरदार अदा कर रही है। ओके, सुरिंदू के मुखालिफ का किरदार अदा करते आपको इस मूवी में नजर आएंगे। सरकारी टेस के निकाब कोशाई 20 मार्च 2024 को की गई थी। फिल्म का ट्रेलर 9 मई 2024 को जारी किया गया था और ये फिल्म थिएटर में 24 मई 2024 को रिलीज हुई थी। 26 जुलाई 2024 से और ये जी प्रीमियर पर रिलीज हुई थी। साउंड ट्रैक दोस्तों इस मूवी की जो फिल्म की जो मौसीकी है वो मनोज तिवारी दीपक ठाकुर ने तरतीब दी है और बोल डॉक्टर सागे ने लिखे हैं। बाघ का क्रिजा के उन्वान से पहला गाना 24 अप्रैल 2024 को रिलीज हुआ था। दूसरा गाना जिसका उन्वान था चक्का जाम 24 मई 2024 को रिलीज हुआ। सही है। अब टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है अपूर्व सिंह करिकी। राइटर भी अपूर्व सिंह ही हैं और इसके साथ दे रहे हैं दीपक केनकरानी। प्रोड्यूस्ड बाय विनोद होनोशाली, इसके साथ कमलेश मनोज वाजपेयी शबना रजा शील ओशाल शमशा ओसवल मेन किरदार अदा कर रहे हैं। मनोज बाजपेयी जोया हुसैन सिंदीद विकी जतिन जोशवानी सैनमोग्राफी अर्जुन कुरकीति एडिट समीत कोटीन म्यूजिक बाई सॉन्ग्स मनोज तिवारी दीपक ठाकुर इसके साथ तिलिका उपाडे और इसके स्कोर की बात कर लें तो दे रही है इसमें संदीप स्वीता। प्रोडक्शन कंपनी जो है ना वो है जी
वनुशाली स्टूडियोज लिमिटेड FSO प्रोडक्शंस डिस्ट्रीब्यूट बाय पेन मॉड्यूलर एंटरटेनमेंट्स रिलीज डेट है जी 24 मई 2024। रनिंग टाइम इसका 131 मिनट 2 घंटे 10 मिनट की ये स्टोरी है। कंट्री इसकी जो है ना वो इंडिया है। लैंग्वेज इसकी हिंदी ही है और इसने बॉक्स ऑफिस पर 11.52 करोड़ का बिजनेस किया और अभी तो ये बिजनेस करेगी, देखते हैं कि कितना बिजनेस करती है। भाया जी 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे अपूर्व सिंह को कार्की ने लिखा है। अपूर्व सिंह कार्की ने लिखा जिसने इसे दीपक कनगरानी के साथ मिलकर लिखा है। इसमें मनोज बाजपाई ने मरकजी किरदार अदा किया है। मनोज बाजपाई ने मरकजी किरदार अदा किया है जो कानूनी ड्रामा सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। उसने भी इसमें किरदार अदा किया था और इस मूवी में भी ये भाया जी में भी किरदार अदा करते हैं। आपको नजर आएंगे वरना ये अक्सर मूवी में ये सैड हीरो के रोल में भी काम करते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए विलन के रोल में भी ये जो है ना काम करते आपको नजर आए हैं, लेकिन आजकल जो है ना ये हीरो के रोल में नजर आ रही है चैन जी। और इसके बाद जो है ना दोबारा ये जो इसकी दूसरी मूवी होगी। अगर कहानी की बात कर लें तो ये दोस्तों एक छोटी सी बहस के दौरान अपने छोटे भाई की बस बदकिस्मत मौत के बाद भाया जी यानी के मनोज वाजपेयी एक रिटायर और खौफ ज़दा मुजरिम जिम्मेदार बासर गुज्जर के खिलाफ इंसाफ की तलाश में निकलता है। वो अपने वफादार साथियों को इकट्ठा करता है और इंतकाम की एक तहरीक को जन्म देता है जो पूरी मुजरमाना दुनिया के लिए ख़तरा है। ये जो मूवी है ये फाइटिंग मूवी है। इस मूवी में भाया नाम देख लिया, भाया जी मतलब बड़ा भाई है, उसका जो छोटा भाई है उसको कत्ल कर दे देता है, तो फिर जो बड़ा भाई है वो अपने छोटे भाई का बदला लेता है और जो बड़ा भाई है वो अपने जो उसके मुखलिस दोस्त हैं उनको बुलाते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि हम ये तहरीक बनाना चाहते हैं, क्या आप मेरा साथ दोगे? तो जो मुखलिस दोस्त होते हैं तो आपको पता है कि वो हर मुसीबत में साथ खड़े होते हैं, तो उन्हें लगा के जी ज़रूर। तो फिर यूँ तहरीक का आगाज़ होता है और फिर चुन चुन कर जो इनके मुखालफीन हैं उनको मारा जाता है। सो ये है इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको भी बताई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है। भैया जी जो हो गया, उसके भाई हो गए, उसके दोस्त हैं, रियल में उनका क्या नाम है और इस मूवी में उनका क्या नाम होगा A to Z। अब मैं आपको इसकी तरफ लेके चलता हूँ, कास्ट की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों इस मूवी में मनोज वाजपेयी यानी कि हीरो जो हो गए वो बतौर रामचरण त्रिपाठी उर्फ भाया जी के रोल में नजर आएंगे। सही है जी। आगे चलते हैं। अमृत सज्जन बतौर नौजवान भाया जी, अमृत सज्जन भाया जी के छोटे भाई हैं और नौजवान हैं और इस मूवी में ये हीरो के भाई के रोल में नजर आएंगे, जिसके ऊपर ये सारी मूवी घूमती है, वो है जी अमृत सज्जन। उसके बाद भागीरथी भाई कदीम बतौर छोटी माँ भाया जी की सुतेली माँ के रोल में आपको नजर आएंगे। के जोया हुसैन बतौर मेथाली ओके, जत्थन गोस्वामी बतौर अभिनव सिंह, श्रीनू की बतौर चंद्र भान सिंह, विपन शर्मा बतौर FI मंगन, अभिषेक रंजन बतौर रवि, भोला के तौर पर आचार्य अन्यत नजर आएंगे, आकाश मगीजा बतौर विदनत, अमरिंदर शर्मा बतौर नयाज, जय हिंद कुमार बतौर पंडित, बंटू के तौर पर निखिल मेहता, विभू शर्मा बतौर बॉबी के रोल में इस मूवी में आपको नजर आएंगे। दोस्तों फिल्म का जो ऐलान है वो किया गया था अगस्त 2023 में और इस मूवी की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है उसका आगाज़ हो गया था 19 सितंबर 2023 को।
ये प्रोजेक्ट मनोज वाजपेयी और अपूर्व सिंह काल की सिर्फ एक बंदा काफ़ी है फिल्म के बाद दूसरा इश्तराक है। पहली मूवी जिसने बनाई, दूसरी मूवी भी इसी ने बनाई है। पहली मूवी में जिसने इसको मेन किरदार अदा किया, दूसरी मूवी में भी वो ही इसको किरदार अदा दे रहे हैं। फिल्म बंदी दोस्तों की जो है शूटिंग इस तो उत्तर प्रदेश में की गई थी। कास्टिंग में मनोज वाजपेयी ने मरकजी किरदार अदा किया है, जबकि जोया हुसैन मरकजी खातून का किरदार अदा कर रही है। ओके, सुनिंदु के मुखालिफ का किरदार अदा करते आपको इस मूवी में नजर आएंगे। सरकारी ड्रेस के निकाब कोशाई 20 मार्च 2024 को की गई थी। फिल्म का ट्रेलर 9 मई 2024 को जारी किया गया था और ये फिल्म थिएटर में 24 मई 2024 को रिलीज हुई थी। 26 जुलाई 2024 से और ये जी प्रीमियर पर रिलीज हुई थी। साउंड ट्रैक दोस्तों इस मूवी की जो फिल्म की जो मौसीकी है वो मनोज तिवारी दीपक ठाकुर ने तरतीब दी है और बोल डॉक्टर सागे ने लिखे हैं। बाघ का क्रिजा के उन्वान से पहला गाना 24 अप्रैल 2024 को रिलीज हुआ था। दूसरा गाना जिसका उन्वान था चक्का जाम 24 मई 2024 को रिलीज हुआ। सही है। अब टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है अपूर्व सिंह करिकी। राइटर भी अपूर्व सिंह ही हैं और इसके साथ दे रहे हैं दीपक केनकरानी। प्रोड्यूस्ड बाय विनोद होनोशाली, इसके साथ कमलेश, मनोज वाजपेयी, शबना रजा, शील ओशाल, शमशा ओसवल मेन किरदार अदा कर रहे हैं। मनोज वाजपेयी, जोया हुसैन, सिंदीद विकी, जतिन जोशवानी, सैनमोग्राफी अर्जुन कुरकीति, एडिट समीत कोटीन, म्यूजिक बाई सॉन्ग्स मनोज तिवारी, दीपक ठाकुर, इसके साथ तिलिका उपाडे और इसके स्कोर की बात कर लें तो दे रही है इसमें संदीप स्वीता। प्रोडक्शन कंपनी जो है ना वो है जी वनुशाली स्टूडियोस लिमिटेड SSO प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूट बाय पेन मॉड्यूलर एंटरटेनमेंट्स। रिलीज डेट है जी 24 मई 2024। रनिंग टाइम इसका 131 मिनट, 2 घंटे 10 मिनट की ये स्टोरी है। कंट्री इसकी जो है ना वो इंडिया है, लैंग्वेज इसकी हिंदी ही है और इसने बॉक्स ऑफिस पर 11.52 करोड़ का बिजनेस किया और अभी तो ये बिजनेस करेगी, देखते हैं कि कितना बिजनेस करती है। भाया जी 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे अपूर्व सिंह को कार की ने लिखा है। अपूर्व सिंह कार की ने लिखा जिसने इसे दीपक कनगरानी के साथ मिलकर लिखा है। इसमें मनोज वाजपेयी ने मरकजी किरदार अदा किया है। जो कानूनी ड्रामा सिर्फ एक बंदा काफ़ी है उसने भी इसमें किरदार अदा किया था और इस मूवी में भी ये भाया जी ने भी मेन किरदार अदा करते आपको नजर आएंगे, वरना ये अक्सर मूवी में ये सैड हीरो के रोल में भी काम करते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए विलेन के रोल में भी ये जो है ना काम करते आपको नजर आए हैं, लेकिन आजकल जो है ना ये हीरो के रोल में नजर आ रही है चैनल जी। और इसके बाद जो है ना दोबारा ये जो इसकी दूसरी मूवी होगी। अगर कहानी की बात कर लें तो ये दोस्तों एक छोटी सी बहस के दौरान अपने छोटे भाई की बस बदकिस्मत मौत के बाद भाया जी यानी कि मनोज वाजपेयी एक रिटायर और खौफ ज़दा मुजरिम जिम्मेदार बासर गुज्जर के खिलाफ इंसाफ की तलाश में निकलता है। वो अपने वफादार साथियों को इकट्ठा करता है और इंतकाम की एक तहरीक को जन्म देता है जो पूरी मुजरमाना दुनिया के लिए ख़तरा है।
ये जो मूवी है ये फाइटिंग मूवी है। इस मूवी में भाई नाम देख लिया, भाई जी मतलब बड़ा भाई है, उसका जो छोटा भाई है उसको कत्ल कर दे देता है। तो फिर जो बड़ा भाई है वो अपने छोटे भाई का बदला लेता है, और जो बड़ा भाई है वो अपने जो उसके मुखलिस दोस्त हैं उनको बुलाते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि हम ये तारीख बनाना चाहते हैं, क्या आप मेरा साथ दोगे। तो जो मुखलिस दोस्त होते हैं तो आपको पता है कि वो हर मुसीबत में साथ खड़े होते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी ज़रूर। तो फिर यूँ तारीख का आगाज़ होता है और फिर चुन चुन कर जो उनके मुखालफिन हैं उनको मारा जाता है। तो ये है इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको भी बताई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है। भैया जी जो हो गया, उसके भाई हो गए, उसके दोस्त हैं, रियल में उनका क्या नाम है और इस मूवी में उनका क्या नाम होगा, तो जी अब मैं आपको इसकी तरफ लेके चलता हूँ, कास्ट की तरफ लेके चलूँगा। दोस्तों इस मूवी में मनोज बाजपेयी यानी कि हीरो जो हो गए वो बतौर रामचरण त्रिपाठी उर्फ भाया जी के रोल में नजर आएंगे। सही है जी, आगे चलते हैं। अमृत सज्जन बतौर नौजवान भाया जी, अमृत सज्जन भाया जी के छोटे भाई हैं और नौजवान हैं, और इस मूवी में ये हीरो के भाई के रोल में नजर आएंगे, जिसके ऊपर ये सारी मूवी घूमती है, वो है जी अमृत सज्जन। उसके बाद भागीरथी भाई कदीम बतौर छोटी माँ भाया जी की सुतेली माँ के रोल में आपको नजर आएंगे। के जोया हुसैन बतौर मेथाली, ओके जत्थन गोस्वामी बतौर एवेन्यू सिंह, श्रीनु की बतौर चंद्र भान सिंह, विपन शर्मा बतौर एफ आई मंगन, अभिषेक रंजन बतौर रवि, भोला के तौर पर आचार्य अन्यत नजर आएंगे, आकाश मगीजा बतौर विद्नत, अमरिंदर शर्मा बतौर नयाज, जय हिंद कुमार बतौर पंडित, बंटू के तौर पर निखिल मेहता, विभू शर्मा बतौर बॉबी के रोल में इस मूवी में आपको नजर आएंगे। दोस्तों फिल्म का जो ऐलान है वो किया गया था अगस्त 2023 में, और इस मूवी की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है उसका आगाज़ हो गया था 19 सितंबर 2023 को। ये प्रोजेक्ट मनोज बाजपेयी और अपूर्व सिंह काल की सिर्फ एक बंदा काफ़ी है फिल्म के बाद दूसरा इश्तराक है। पहली मूवी जिसने बनाई, दूसरी मूवी भी इसी ने बनाई है। पहली मूवी में जिसने इसको मेन किरदार अदा किया, आप दूसरी मूवी में भी वो ही इसको किरदार अदा दे रहे हैं। फिल्म बंदी दोस्तों की जो है शूटिंग इस तौर पर उत्तर प्रदेश में की गई थी। कास्टिंग में मनोज बाजपेयी ने मरकजी किरदार अदा किया है, जबकि जोया हुसैन मरकजी खातून का किरदार अदा कर रही है। ओके सुरिंदु के मुखालिफ का किरदार अदा करते आपको इस मूवी में नजर आएंगे। सरकारी डेट्स के निकाब कोशाई 20 मार्च 2024 को की गई थी। फिल्म का ट्रेलर 9 मई 2024 को जारी किया गया था, और ये फिल्म थिएटर में 24 मई 2024 को रिलीज हुई थी। 26 जुलाई 2024 से और ये जी प्रीमियर पर रिलीज हुई थी। साउंड ट्रैक दोस्तों इस मूवी की जो फिल्म की जो मौसीकी है वो मनोज तिवारी दीपक ठाकुर ने तरतीब दी है, और बोल डॉक्टर सागे ने लिखे हैं। बाघ का क्रीजा के उन्वान से पहला गाना 24 अप्रैल 2024 को रिलीज हुआ था। दूसरा गाना जिसका उन्वान था चक्का जाम 24 मई 2024 को रिलीज हुआ। सही है, अब टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है अपूर्व सिंह करिकी, राइटर भी अपूर्व सिंह ही हैं, और इसके साथ दे रहे हैं दीपक केनगरानी। प्रोड्यूस्ड बाई विनोद भोनशाली, इसके साथ कमलेश, मनोज बाजपेयी, शबना रजा, शील ओशाल, शमशा ओसवल मेन किरदार अदा कर रहे हैं। मनोज बाजपेयी, जोया हुसैन, सिंदीद विकी, जतिन जोशवानी, सैनमोग्राफी अर्जुन
कौर कीती। एडिट समीत कोटीन, म्यूजिक बाई सॉन्ग्स मनोज तिवारी, दीपक ठाकुर, इसके साथ तिलिका उपाडे। और इसके स्कोर की बात कर लें तो दे रही है इसमें संदीप स्वीता। प्रोडक्शन कंपनी जो है ना वो है जी वनुशाली स्टूडियोस लिमिटेड, FSO प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूट बाय पेन मॉड्यूलर एंटरटेनमेंट्स। रिलीज डेट है जी 24 मई 2024। रनिंग टाइम इसका 131 मिनट, 2 घंटे 10 मिनट की ये स्टोरी है। कंट्री इसकी जो है ना वो इंडिया है। लैंग्वेज इसकी हिंदी ही है। और इसने बॉक्स ऑफिस पर 11.52 करोड़ का बिजनेस किया। और अभी तो ये बिजनेस करेगी, देखते हैं कि कितना बिजनेस करती है। भाया जी 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे अपूर्व सिंह को कार की ने लिखा है। अपूर्व सिंह कार की ने लिखा, जिसने इसे दीपक कनगरानी के साथ मिलकर लिखा है। इसमें मनोज बाजपाई ने मरकजी किरदार अदा किया है। मनोज बाजपाई ने मरकजी किरदार अदा किया है जो कानूनी ड्रामा सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। उसमें भी इसमें किरदार अदा किया था। और इस मूवी में भी ये भाया जी में भी मेन किरदार अदा करते हैं, आपको नजर आएंगे। वरना ये अक्सर मूवी में ये सैड हीरो के रोल में भी काम करते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए विलन के रोल में भी ये जो है ना काम करते आपको नजर आए हैं। लेकिन आज कल जो है ना ये हीरो के रोल में नजर आ रही है चैनल जी। और इसके बाद जो है ना दोबारा ये जो इसकी दूसरी मूवी होगी। अगर कहानी की बात कर लें तो ये दोस्तों एक छोटी सी बहस के दौरान अपने छोटे भाई की बस बदकिस्मत मौत के बाद भाया जी यानी के मनोज बाजपाई एक रिटायर और खौफ ज़दा मुजरिम जिम्मेदार बासर गुज्जर के खिलाफ इंसाफ की तलाश में निकलता है। वो अपने वफादार साथियों को इकट्ठा करता है और इंतकाम की एक तहरीक को जन्म देता है जो पूरी मुजरमाना दुनिया के लिए ख़तरा है। ये जो मूवी है ये फाइटिंग मूवी है। इस मूवी में भाया नाम देख लिया, भाया जी मतलब बड़ा भाई है, उसका जो छोटा भाई है उसको कत्ल कर दे देता है। तो फिर जो बड़ा भाई है वो अपने छोटे भाई का बदला लेता है और जो बड़ा भाई है वो अपने जो उसके मुखलिस दोस्त हैं उनको बुलाते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि हम ये तहरीक बनाना चाहते हैं, क्या आप मेरा साथ दोगे। तो जो मुखलिस दोस्त होते हैं तो आपको पता है कि वो हर मुसीबत में साथ खड़े होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी ज़रूर। तो फिर यूँ तहरीक का आगाज़ होता है और फिर चुन चुन कर जो इनके मुखालफीन हैं उनको मारा जाता है। सो ये है इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको भी बताई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है। भैया जी जो हो गया, उसके भाई हो गए, उसके दोस्त हैं, रियल में उनका क्या नाम है और इस मूवी में उनका क्या नाम होगा, तो जी अब मैं आपको इसकी तरफ लेके चलता हूँ, कास्ट की तरफ लेके। दोस्तों इस मूवी में मनोज बाजपाई यानी कि हीरो जो हो गए वो बतौर रामचरण त्रिपाठी उर्फ भाया जी के रोल में नजर आएंगे। सही है जी। आगे चलते हैं। अमृत सज्जन बतौर नौजवान भाया जी। अमृत सज्जन भाया जी के छोटे भाई हैं और नौजवान हैं और इस मूवी में ये हीरो के भाई के रोल में नजर आएंगे, जिसके ऊपर ये सारी की सारी मूवी घूमती है। वो है जी अमृत सज्जन। उसके बाद भागीरथी भाई कदीम बतौर छोटी माँ भाया जी की सुतेली माँ के रोल में आपको नजर आएंगे। के जोया हुसैन बतौर मेथाली, ओके जत्थन गोस्वामी बतौर अभिनव सिंह, श्रीनु की बतौर चंद्र भान सिंह, विपन शर्मा बतौर एफ आई मंगन, अभिषेक रंजन बतौर रवि, भोला के तौर पर आचार्य अन्यत्र नजर आएंगे, आकाश मगीजा बतौर विदनत, अमरिंदर शर्मा बतौर नयाज, जय हिंद कुमार बतौर पंडित, बंटू के तौर पर निखिल मेहता,
विभू शर्मा बतौर बॉबी के रोल में इस मूवी में आपको नजर आएंगे। दोस्तों फिल्म का जो ऐलान है वो किया गया था अगस्त 2023 में और इस मूवी की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है उसका आगाज़ हो गया था 19 सितंबर 2023 को। ये प्रोजेक्ट मनोज वाजपेयी और अपूर्व सिंह काल की सिर्फ एक बंदा काफ़ी है फिल्म के बाद दूसरा इश्तराक है। पहली मूवी जिसने बनाई, दूसरी मूवी भी इसी ने बनाई है। पहली मूवी में जिसने इसको मेन किरदार अदा किया, दूसरी मूवी में भी वो ही इसको किरदार अदा दे रहे हैं। फिल्म बंदी दोस्तों की जो है शूटिंग इस बुलेटिन पर उत्तर प्रदेश में की गई थी। कास्टिंग में मनोज वाजपेयी ने मरकजी किरदार अदा किया है जबकि जोया हुसैन मरकजी खातून का किरदार अदा कर रही है। ओके, सुनिंदु के मुखालिफ का किरदार अदा करते आपको इस मूवी में नजर आएंगे। सरकारी डेट्स के निकाब कोशाई 20 मार्च 2024 को की गई थी। फिल्म का ट्रेलर 9 मई 2024 को जारी किया गया था और ये फिल्म थिएटर में 24 मई 2024 को रिलीज हुई थी। 26 जुलाई 2024 से और ये जी प्रीमियर पर रिलीज हुई थी। साउंड ट्रैक दोस्तों इस मूवी की जो फिल्म की जो मौसीकी है वो मनोज तिवारी दीपक ठाकुर ने तरतीब दी है और बोल डॉक्टर सागे ने लिखे हैं। बाघ का क्रीजा के उन्वान से पहला गाना 24 अप्रैल 2024 को रिलीज हुआ था। दूसरा गाना जिसका उन्वान था चक्का जाम 24 मई 2024 को रिलीज हुआ। सही है, अब टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है अपूर्व सिंह करिकी। राइटर भी अपूर्व सिंह ही हैं और इसके साथ दे रहे हैं दीपक केनकरानी। प्रोड्यूस्ड बाई विनोद होनशाली, इसके साथ कमलेश, मनोज वाजपेयी, शबना रजा, शील ओशाल, शमीक्षा ओसवाल मेन किरदार अदा कर रहे हैं। मनोज वाजपेयी, जोया हुसैन, सिंदीद विकी, जतिन जोशवानी, सैनमोग्राफी अर्जुन कुरकीति, एडिट समीत कोटीन, म्यूजिक वाई सॉन्ग्स मनोज तिवारी, दीपक ठाकुर, इसके साथ तिलिका उपाडे और इसके स्कोर की बात कर लें तो दे रही है इसमें संदीप स्वीता। प्रोडक्शन कंपनी जो है ना वो है जी वनुशाली स्टूडियोस लिमिटेड SSO प्रोडक्शंस। डिस्ट्रीब्यूट बाय पेन मॉड्यूलर एंटरटेनमेंट्स। रिलीज डेट है जी 24 मई 2024। रनिंग टाइम इसका 131 मिनट, 2 घंटे 10 मिनट की ये स्टोरी है। कंट्री इसकी जो है ना वो इंडिया है। लैंग्वेज इसकी हिंदी ही है और इसने बॉक्स ऑफिस पर 11.52 करोड़ का बिजनेस किया और अभी तो ये बिजनेस करेगी, देखते हैं कि कितना बिजनेस करती है। भाया जी 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे अपूर्व सिंह को कार की ने लिखा है। अपूर्व सिंह कार की ने लिखा जिसने इसे दीपक कनगरानी के साथ मिलकर लिखा है। इसमें मनोज वाजपेयी ने मरकजी किरदार अदा किया है। मनोज वाजपेयी ने मरकजी किरदार अदा किया है जो कानूनी ड्रामा सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। उसमें भी मेन किरदार अदा किया था और इस मूवी में भी ये भाया जी ने भी मेन किरदार अदा करते आपको नजर आएंगे। वरना ये अक्सर मूवी में ये सेट हीरो के रोल में भी काम करते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए विलन के रोल में भी ये जो है ना काम करते आपको नजर आए हैं, लेकिन आजकल जो है ना ये हीरो के रोल में नजर आ रही है चैन जी। और इसके बाद जो है ना दोबारा ये जो इसकी दूसरी मूवी होगी। अगर कहानी की बात कर लें तो ये दोस्तों एक छोटी सी बहस के दौरान अपने छोटे भाई की बदकिस्मत मौत के बाद भाया जी यानी के मनोज वाजपेयी एक रिटायर और खौफ ज़दा
मुजरिम जिम्मेदार बादशाह गुज्जर के खिलाफ इंसाफ की तलाश में निकलता है। वो अपने वफादार साथियों को इकट्ठा करता है और इंतकाम की एक तहरीक को जन्म देता है जो पूरी मुजरमाना दुनिया के लिए ख़तरा है। ये जो मूवी है ये फाइटिंग मूवी है। इस मूवी में भाई नाम देख लिया, भाई जी मतलब बड़ा भाई है, उसका जो छोटा भाई है उसको कत्ल कर दे देता है, तो फिर जो बड़ा भाई है वो अपने छोटे भाई का बदला लेता है और जो बड़ा भाई है वो अपने जो उसके मुखलिस दोस्त हैं उनको बुलाते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि हम ये तहरीक बनाना चाहते हैं, क्या आप मेरा साथ दोगे। तो जो मुखलिस दोस्त होते हैं तो आपको पता है कि वो हर मुसीबत में साथ खड़े होते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी ज़रूर। तो फिर यूँ तहरीक का आगाज़ होता है और फिर चुन चुन कर जो इनके मुखालफीन हैं उनको मारा जाता है। तो सो ये है इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको भी बताई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है। भैया जी जो हो गया, उसके भाई हो गए, उसके दोस्त है, रियल में उनका क्या नाम है और इस मूवी में उनका क्या नाम होगा, तो जी अब मैं आपको इसकी तरफ लेके चलता हूँ, कास्ट की तरफ लेकर। दोस्तों इस मूवी में मनोज बाजपेयी यानी कि हीरो जो हो गए वो बतौर रामचरण त्रिपाठी उर्फ भाया जी के रोल में नजर आएंगे। सही है जी। आगे चलते हैं। अमृत सज्जन बतौर नौजवान भाया जी। अमृत सज्जन भाया जी के छोटे भाई हैं और नौजवान हैं और इस मूवी में ये हीरो के भाई के रोल में नजर आएंगे, जिसके ऊपर ये सारी की सारी मूवी घूमती है, वो है जी अमृत सज्जन। उसके बाद भागीरथी भाई कदीम बतौर छोटी माँ भाया जी की सुतेली माँ के रोल में आपको नजर आएंगे। के जोया हुसैन बतौर मेथाली के जत्थन गोस्वामी बतौर एवेन्यू सिंह श्रीनू की बतौर चंद्र भान सिंह विपन शर्मा बतौर एफ आई मंगन अभिषेक रंजन बतौर रवि भोला के तौर पर आचार्य अन्यत्र नजर आएंगे। आकाश मगीजा बतौर विद्नत अमरिंदर शर्मा बतौर नयाज जय हिंद कुमार बतौर पंडित बंटू के तौर पर निखिल मेहता विभू शर्मा बतौर बॉबी के रोल में इस मूवी में आपको नजर आएंगे। दोस्तों फिल्म का जो ऐलान है वो किया गया था अगस्त 2023 में और इस मूवी की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है उसका आगाज़ हो गया था 19 सितंबर 2023 को। ये प्रोजेक्ट मनोज बाजपेयी और अप्रो सिंह काल की सिर्फ एक बंदा काफ़ी है फिल्म के बाद दूसरा इश्तराक है। पहली मूवी जिसने बनाई, दूसरी मूवी भी इसी ने बनाई है। पहली मूवी में जिसने इसको मेन किरदार अदा किया, आप दूसरी मूवी में भी वो ही इसको किरदार अदा दे रहे हैं। फिल्म बंदी दोस्तों की जो है वो शूटिंग इस उत्तर प्रदेश में की गई थी। कास्टिंग में मनोज बाजपेयी ने मरकजी किरदार अदा किया है जबकि जोया हुसैन मरकजी खातून का किरदार अदा कर रही है। ओके सुरिंदु के मुखालिफ का किरदार अदा करते आपको इस मूवी में नजर आएंगे। सरकारी डेट्स के निकाब कोशाई 20 मार्च 2024 को की गई थी। फिल्म का ट्रेलर 9 मई 2024 को जारी किया गया था और ये फिल्म थिएटर में 24 मई 2024 को रिलीज़ हुई थी। 26 जुलाई 2024 से और ये जी प्रीमियर पर रिलीज़ हुई थी। साउंड ट्रैक दोस्तों इस मूवी की जो फिल्म की जो मौसीकी है वो मनोज तिवारी दीपक ठाकुर ने तरतीब दी है और बोल डॉक्टर सागे ने लिखे हैं। बाघ का क्रीजा के उन्वान से पहला गाना 24 अप्रैल 2024 को रिलीज़ हुआ था। दूसरा गाना जिसका उन्वान था चक्का जाम 24 मई 2024 को रिलीज़ हुआ। सही है। अब टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है अप्रूव सिंह करिकी। राइटर भी अप्रूव सिंह ही हैं और इसके साथ दे रहे हैं दीपक केनकरानी। प्रोड्यूस्ड बाई विनोद होनशाली, इसके साथ कमलेश मनोज बाजपेयी शबना रजा
शील ओशाल शमशा ओसवल मेन किरदार अदा कर रहे हैं मनोज वाजपेयी जोया हुसैन सिंदीद विकी जतिन जोशवानी सैनमोग्राफी अर्जुन कुरकीति एडिट समीत कोटीन म्यूजिक बाई सॉन्ग्स मनोज तिवारी दीपक ठाकुर इसके साथ तलिका उपाडे और इसके स्कोर की बात कर लें तो दे रही है इसमें संदीप स्वीता प्रोडक्शन कंपनी जो है ना वो है जी वनुशाली स्टूडियोस लिमिटेड FSO प्रोडक्शंस डिस्ट्रीब्यूट बाय पेन मॉड्यूलर एंटरटेनमेंट्स रिलीज डेट है जी 24 मई 2024 रनिंग टाइम इसका 131 मिनट 2 घंटे 10 मिनट की ये स्टोरी है कंट्री इसकी जो है ना वो इंडिया है लैंग्वेज इसकी हिंदी ही है और इसने बॉक्स ऑफिस पर 11.52 करोड़ का बिजनेस किया और अभी तो ये बिजनेस करेगी देखते हैं कि कितना बिजनेस करती है